हम सीए फाइनल के ग्रुप वन का पेपर नंबर फोर कॉर्पोरेट एंड एलईडी लॉ का चैप्टर नंबर नाइन वाइंडिंग अप सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर पार्ट टू से पढ़ेंगे। हम प्रैक्टिस मैनुअल इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कंपनीज एक 1956 के आधार पर क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं जिसमें उसी के सेक्शंस बताए गए हैं और यहाँ पे हम कंपनीज एक 2013 के सेक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइंडिंग अप क्या होता है पहले? तो वाइंडिंग अप इंक्लूड्स द वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। मतलब वाइंडिंग अप में दोनों चीज आ जाएगी, वाइंडिंग अप जो इसके अंदर एक्ट के अंदर बताया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर ही, दूसरा लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो वाइंडिंग अप बताया गया है वो लिक्विडेशन भी वाइंडिंग अप के अंदर कवर्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द वाइंडिंग अप इज कंप्राइज ऑफ फोर पार्ट्स, चार पार्ट्स कंप्राइज करता है चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें पहला है वाइंडिंग अप बजट ट्रिब्यूनल 271 से लेकर 303, यानी कि पहला वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल, पहले पार्ट में वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप कैसे किया जाएगा ये बताया जाएगा। इसके अंदर 271 से लेकर 303 सेक्शंस तक कवर है, यानी कि 33 सेक्शंस करीब करीब इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप पार्ट टू में 304 से लेकर 323, परंतु ये ओमिटेड है इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा पार्ट जो है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप 324 से लेकर 358 तक, ये मतलब 35 सेक्शंस हो गए। और चौथा है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स पार्ट फोर में 360 से लेकर 365 तक। तो कुल मिला के अपने तीन पार्ट पढ़ने, वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल 271 से लेकर 303 तक, 33 सेक्शंस इसके अंदर, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप 324 से लेकर 358 तक, यानी कि 35 सेक्शंस इसके अंदर, और चौथा है ऑफिशियल लिक्विडेटर 359 से लेकर 365 तक, यानी कि 7 सेक्शंस इसके अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या करना है। चलिए पहले तो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप जो है 270 में ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, इसमें मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बताया गया है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग क्या होता है। वाइंडिंग अप मतलब ट्रिब्यूनल के द्वारा, और दूसरा एक्ट के द्वारा, या फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है। तो दो तरह के वाइंडिंग अप होते हैं ट्रिब्यूनल। तो पहला पार्ट में देखते हैं वाइंडिंग अप बजट ट्रिब्यूनल 271 से लेकर 303, 271 से लेकर 303 तक। चलिए सर्कमस्टेंसेस इन विच द कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से वाउंड अप किया जा सकती है ट्रिब्यूनल के द्वारा। कंपनी वाउंड अप कैसे किया जा सकती है? ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है ना। पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के अंदर, दूसरा कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, नेशन के अगेंस्ट में कंपनी ने एक्ट किया है तो उसके लिए उसका वाइंडिंग अप हो सकता है, यानी कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में उन्होंने एक्ट किया है। तो कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने एक्ट किया कंपनी ने, तो वो वाउंड अप की जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा। तीसरा, अगर एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेशन दी गई है रजिस्ट्रार के द्वारा या कोई दूसरा पर्सन जो कि ऑथराइज है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑथराइज पर्सन के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है वाउंड अप करने के लिए। तो चौथा अपन देखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रजिस्ट्रार विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइव कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले पांच कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स से डिफॉल्ट किया जा रहा है, रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, ठीक है ना। इस चीज में डिफॉल्ट हुआ है पिछले पांच सालों से, पांच कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं तो ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर देगा उस कंपनी में इस तरह का डिफॉल्ट होने पर, या फिर इट इज जस्ट अन इक्विटेबल, अगर उसे ऐसा लगता है कि यार ये ठीक होगा कि यार वाउंड अप कर दिया जाना चाहिए कंपनी का ही, आप इसमें ऐसे थोड़ा मार्क्स कर सकते हैं ना कि जैसे अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट लिख दो, एक अलग अलग पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट, जिससे याद रहेगा फाइव इयर्स से उन्होंने डिफॉल्ट किया है, चौथा पांचवा अपन नहीं किया, ये ठीक होगा कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, इस टाइप से लिख लीजिए। नीचे देखते हैं, चलो अपन चार्ट बनावा। वैसे तो देखिए कंपनी में वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, पहला बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से बाय या कंपनी ने हैज एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कंपनी ने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट किया है। तीसरा ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा एप्लीकेशन देने पर ट्रिब्यूनल वाउंड अप करेगा। चौथा फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फॉर द प्रीसीडिंग फाइव कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, पिछले पांच सालों से डिफॉल्ट किया गया, सॉरी डिफॉल्ट किया गया है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर द प्रीसीडिंग फाइव कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, पिछले पांच सालों से ना एनुअल रिटर्न्स ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइल करने में डिफॉल्ट किया गया है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, इनमें डिफॉल्ट किया गया है पिछले पांच कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा वाउंड अप किया सकती है। और इट इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे किसी भी ऐसा ठीक रहेगा कि यार वाउंड अप किया जाना चाहिए तो कंपनी वाउंड अप की जा सकती है। अगला देखते हैं 272 पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप में भी प्रेजेंटेड बाय, पिटीशन वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन प्रेजेंट किया सकता है? पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप में भी प्रेजेंटेड बाय द कंपनी, कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार, पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो कंपटीशन, पिटीशन मतलब कौन याचिका कौन दायर कर सकता है कि मेरा कंपनी का वाउंड अप किया जाएगा। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप टू द ट्रिब्यूनल कैन बी मेड बाय द कंपनी, कंपनी कर सकती है खुद की भी यार मेरा वाउंड अप कर दो। दूसरा कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरीज, जो भी उनके कंट्रीब्यूटरी क्रेडिटर जो भी जिन जिनने कंट्रीब्यूशन किया है वो कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरीज करेंगे कि भैया हम इस कंपनी का वाउंड अप कर दो। तीसरा रजिस्ट्रार बोलेगा कि भैया यार इस कंपनी का वाउंड अप कर दो। चौथा कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज है वो पर्सन वाउंड अप के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को कि भैया इसका वाउंड अप कर दो।
पांचवा इसमें पांच चीजें हैं ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया जा रहा है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकता है पिटीशन वाउंड अप के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए इसमें कुल मिला के ये मेन खास पांच चीजें थी। अगला देखते हैं 273 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स हैं? पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल हो जाने के बाद 273 फॉलोइंग ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, नेमली डिसमिस इट विद या विदाउट कॉस्ट। उसको डिसमिस कर सकता है उस ऑर्डर को, ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल जो पिटीशन फाइन किया गया है वाइंडिंग अप के लिए, तो उसको डिसमिस कर दे विद या विदाउट कॉस्ट पे, या फिर मेक एन इंटरिम ऑर्डर पे इंटरिम ऑर्डर पास कर दे, अपॉइंट कर एक प्रोविजनल लिक्विडेटर, एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है या कंपनी लिक्विडेटर को, ठीक है ना। चौथा मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है कि भैया इसका वाइंडिंग अप कर दो, या कोई दूसरा ऑर्डर दे सकता है जैसा भी उसको सही लगे, एनी अदर ऑर्डर्स एज इट थिंग्स फिट, ठीक है ना। जो ट्रिब्यूनल क्या क्या पावर्स है, पावर्स क्या है 273 में बताया गया है कि क्या क्या पावर्स है ट्रिब्यूनल के पास और कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है। तो पहला तो ये तो उसको डिसमिस कर दे जो वाइंडिंग अप का पिटीशन आया है, उसको डिसमिस कर दे विद या विदाउट कॉस्ट, ठीक है ना। मेक कर सकता है कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई इंटरिम ऑर्डर के भी है, इस तरह का काम कर लो, एक बार एक काम कर, बीच की बात निकालो, इस तरीके का काम समझौता कर लो, ठीक है ना। तीसरा अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर को, जैसा भी उसको उचित लगे, किसको ट्रिब्यूनल को वो। और चौथा मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देगा, चलो ठीक है पिटीशन आया वाइंडिंग अप का, हम वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है ना। पांचवा कोई दूसरा ऑर्डर जैसा मुझे जैसा भी ट्रिब्यूनल को सही लगे वैसा ऑर्डर दे सकता है, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल 273 के अंदर बताया गया। टाइम लिमिट फॉर द वाइंडिंग अप क्या है? टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑन ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। पिटीशन दिया गया है किसके द्वारा? पांच जनों बताए थे अपन ने, कौन कौन से पांच जने थे एक बार वापस से देख लेते हैं, याद करो। कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार या पर्सन ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूट पहले तो कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज और तीसरा रजिस्ट्रार था, पर्सन जो कि ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट चौथा, और पांचवा था आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इनके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया है। तो उस पिटीशन फाइल होने के 90 दिन के अंतर्गत विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ये ऑर्डर पास होने चाहिए, कोई सही पांच ऑर्डर। कौन कौन से पांच ऑर्डर? डिसमिस कर दो विद या विदाउट कॉस्ट, या फिर मेक एन एंट्री ऑर्डर, अपॉइंट कर प्रोविजनल कंपनी लिक्विडेटर, या अपॉइंट मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर दो, या कोई दूसरा ऑर्डर जैसा भी उसको फिट लगे, थिंग्स फिट, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 274 में, डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने के डायरेक्शंस क्या क्या है 274 में बताया गया है? ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपनी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल कर सकता है कंपनी, हाँ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कंपनी को फाइल करे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस प्रकार? विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे कंपनी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके अफेयर्स फाइल करे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग, ट्रिब्यूनल में अलाउ फर्दर टाइम ऑफ 30 डेज इन अ सिचुएशन ऑफ कंटिजेंसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने का ट्रिब्यूनल बोल सकता है कंपनी को, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करो, तो उसके 30 दिन के अंदर जब ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे उसके 30 दिन के अंदर का वैसा प्रिस्क्राइब मैनर में उसे फाइल करना है। ये जो फाइल करने का पीरियड है वो एक्सटेंड भी किया जाता है फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है, और अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो अगले 30 दिन तक का एक्सटेंशन भी दिया सकता है, जब उसको लगे कि यार यहाँ पे कॉन्टिजेंसी है, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसका एक्सटेंशन माना जाएगा। दूसरा, पनिशमेंट फॉर नॉट फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उन सभी अगर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं करें कंपनी ने ट्रिब्यूनल को, तो उन सभी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी को पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ऑफिसर्स टू पे द कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का खर्चा जो है, ऑफिसर्स टू पे कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का खर्च जो भी अकाउंट्स ऑडिट किए हैं या कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट ऑडिट करना है, इन सब का जो खर्चा लिक्विडेटर का हुआ है, ये सभी खर्चे ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को पे करना है लिक्विडेटर को, ठीक है। विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है ना। 30 दिन के अंतर्गत विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर, 30 दिन के अंदर जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए गए हैं और अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर जब तक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। अब कंप्लेंट जो है बिफोर द स्पेशल कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है, कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल कोर्ट में भी फाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार, प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, ये जो है कंप्लेंट प्रेजेंट किया सकती है स्पेशल कोर्ट के आगे भी बाय रजिस्ट्रार, प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, जहां भी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल बाय द पर्सन अदर देन द कंपनी, जहां भी अदर देन द कंपनी के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया है, केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी इज मेड आउट, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू फाइल द ऑब्जेक्शंस विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दिया जाएगा कि यार आपको इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लेना है, तो विद इन 30 डेज लेना है ऑफ द ऑर्डर, मतलब आपको ये पिटीशन जो फाइल किया गया है अदर देन कंपनी ने किया है, तो आपको 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन जो है आपको ट्रिब्यूनल को देना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर फाइल कर दीजिए ट्रिब्यूनल को। अगला देखते हैं सेक्शन 275, कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट्स, कंपनी लिक्विडेटर्स और उनका अपॉइंटमेंट। अब कंपनी लिक्विडेटर क्या होते हैं और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये समझने की बात है। कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर बाय द ट्रिब्यूनल,
एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप. ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है अपॉइंट किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा ही अपॉइंट होता है एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप. जब ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप पास किया गया है तभी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है. ठीक है ना, ऑफिशियल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर ये दोनों एक ही चीज होती है. ठीक है ना, ठीक है. और जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर बाय ट्रिब्यूनल फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इंसॉल्वेंसी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016. ठीक है ना, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर. ठीक है ना, कब अपॉइंटमेंट कंपनी लिक्विडेटर और उनके अपॉइंटमेंट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर जब ऑर्डर पास करेगा तब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा और अपॉइंटमेंट करेगा प्रोविजनल या कंपनी लिक्विडेटर का जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 के अंतर्गत. ठीक है ना, तो प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा. ठीक है ना, ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब वो कंपनी के ऑफिशियल ट्रिब्यूनल का ऑफिशियल लिक्विडेटर रहेगा. प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा ट्रिब्यूनल जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को. ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल लिमिट कर सकता है पावर्स ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर. प्रोविजनल लिक्विडेटर के पावर्स को लिमिट भी कर सकता है कि भैया प्रोविजनल लिक्विडेटर आपके पावर्स इस अवधि तक सीमित है, इससे ज्यादा कि आप कंपनी लिक्विडेटर में एज अ लिक्विडेटर काम नहीं कर सकते. उसके प्रोविजनल लिक्विडेटर के पावर्स सीमित कर सकता है ट्रिब्यूनल. तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा. सॉरी, हाँ, ऑफिशियल लिक्विडेटर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पे अपॉइंट कर देगा. दूसरा, प्रोविजनल या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा आईबीसी के अंदर अगर वो अपॉइंट होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को. ठीक है ना, अपॉइंट करके ट्रिब्यूनल लिमिट कर सकता है पावर्स ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर. प्रोविजनल लिक्विडेटर के पावर्स लिमिट कर सकता है उसकी इच्छा होती है तो ऐसा उसको उचित लगे तो. ट्रिब्यूनल स्पेसिफाई कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर. प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करने की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है ट्रिब्यूनल. स्पेसिफाई कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर भी ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा. और फिफ्थ पॉइंट तो है ही नहीं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फाइल करना है. फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द लिक्विडेटर बाय और अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट होने के बाद डिक्लेरेशन देना पड़ेगा लिक्विडेटर को भी कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये अपॉइंटमेंट. तो ये डिक्लेरेशन फाइल करा जाएगा किसके द्वारा, लिक्विडेटर के द्वारा. जब उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ट्रिब्यूनल करेगा तब जब. ठीक है ना, अगला देखते हैं. विद इन 7 days ऑफ द डिस्क्लोजिंग द इंडिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इस अपॉइंटमेंट. इंडिपेंडेंट है वो इस अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उसको कोई उसमें कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका इंडिपेंडेंस होने पर वो डिक्लेरेशन दे देगा कंपनी को, ट्रिब्यूनल को, कि भैया मेरा अपॉइंटमेंट वैलिड है विद इन 7 days ऑफ डिस्क्लोज करने के. जैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसका 7 दिन के अंदर अंदर उसको डिक्लेरेशन देना है कि आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम एलिजिबल फॉर दिस अपॉइंटमेंट. ठीक है ना, ऐसा करके. सातवां हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर एज अ कंपनी लिक्विडेटर. प्रोविजनल लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया है उसी को एज अ कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा. ठीक है ना, और 276 में देखते चलिए. ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी एक्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. ठीक है ना, और प्रोविजनल कंपनी लिक्विडेटर जो है आईबीसी 2016 के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में. तो ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी एक्ट के हिसाब से अपॉइंट होता है. दूसरा, ये कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के आधार पर होते हैं. ये ध्यान रखना है, 275 में मेनली ये चीज बताई गई है. आगे देखते हैं अपन. रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर. रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर सेक्शन 276. रिमूवल एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर. प्रोविजनल लिक्विडेटर को रिमूव करना या कंपनी लिक्विडेटर को रिमूव करना ट्रिब्यूनल में ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. ठीक है ना, रिमूव कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर ऑन द ग्राउंड्स नेमली मिसकंडक्ट पे या फ्रॉड या मिसफीजेंस पे काम, मतलब इन सभी ग्राउंड्स पे लिक्विडेटर को ये तो रिमूव कर देगा या रिप्लेस कर सकता है. कौन? कंपनी लिक्विडेटर को रिमूव किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा. अभी ट्रिब्यूनल के हाथ में ही सारे पावर है. जब तक हम चलते रहेंगे, कौन से सेक्शन तक हम ने शुरू किए थे, 271 से लेके 303 तक जब तक हम चलते रहेंगे, तो 303 तक सिर्फ ट्रिब्यूनल की बात चलती रहेगी. सब सारे पावर्स ट्रिब्यूनल के हाथ में रहेंगे. कब तक? 303 तक. चलिए, रिमूव किया सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है लिक्विडेटर को. ठीक है ना, रिमूवल ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल में ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिमूव कर सकता है. कौन कौन से ट्रिब्यूनल, कंपनी लिक्विडेटर को या प्रोविजनल लिक्विडेटर, कौन कौन से ग्राउंड से? पहला, मिसकंडक्ट किया है उसने. दूसरा, फ्रॉड या मिसफीजेंस किया है. फ्रॉड किया है या फिर मिसफीजेंस ऐसा नहीं कि काम ही नहीं कर रहा हो, मिसकंडक्ट कर रहा है पहला तो, या फिर दूसरा फ्रॉड करता है या मिसफीजन काम ही नहीं करता है तो भैया हटा देना चाहिए उसको, रिमूव किया जा सकता है. तीसरा, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, उसके अंदर प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है, मतलब उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है. चौथा, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, उसमें एबिलिटी नहीं है एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर एक्ट करने की. ठीक है ना, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर. पांचवा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, उसका इंडिपेंडेंस डाबाडोल हो रहा है. ठीक है ना,
ये ऐसी चीज़ आ जाती है कभी उसका इंडिपेंडेंस लैक करने लगे या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होने लगे, तब ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर के पद से उसको ट्रिब्यूनल हटा सकता है। तो ये पांच चीज़ें हैं, इसको एक तरीके से अगर आपको याद करना हो तो आप कभी इन्वेस्टमेंट करते होंगे म्यूचुअल फंड में, तो आप क्या करते हो उसको पिक करते हो, कोई अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड पिक करता, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखो MF पिक। तो एम से मिसकंडक्ट हो गया और एफ से हो गया फ्रॉड या मिसपीजेंस हो गया, पिक से मतलब प्री या प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, आई से लेके इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, सी से लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड में मैं भी एडवाइस देता हूँ, कभी मेरे को भी कॉल कर लिया करो, नीचे नंबर दिया रखा मैंने। चलिए तो कुल मिला के अगर रिमूव करना है कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर को, तो पांच ग्राउंड पे अपन रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन से? MF पिक, MFPIC यानी ठीक है, एम से लेके मिसकंडक्ट, एफ से लेके फ्रॉड या मिसपीजेंस, तीसरा पी से लेने प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, आई से लेके इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, सी से लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। MF पिक, मिसकंडक्ट, फ्रॉड या मिसपीजेंस, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। आगे नीचे देखते हैं, चलिए। इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर या रजिस्ट्रार, 277 सेक्शन 277 में हम देखेंगे। इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर या रजिस्ट्रार को हम इंटीमेशन देंगे ट्रिब्यूनल का कि यार ये हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है, ठीक है ना। अभी तो हमने ये पांच ग्राउंड्स पे तो रिमूव कर दिया, ये रिप्लेस कर सकते हैं, हमने बता दिया MF पिक पे। 277 में हम देखेंगे कि भैया ट्रिब्यूनल कब कब ऑर्डर कर सकता है कि भैया ये इंटीमेट करेगा ट्रिब्यूनल को कि यार हाँ अपॉइंटमेंट हो गया है प्रोविजनल लिक्विडेटर का, ठीक है ना। ये इंटीमेशन इसको देना है ट्रिब्यूनल को देना है, ठीक है ना। इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, ये ट्रिब्यूनल देखा 277 में। ट्रिब्यूनल, इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, अगर उसने ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल ने, ऑर्डर दिया है काय का, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर का या वाइंडिंग ऑफ कंपनी का, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, कितने 7 दिनों के अंतर्गत, ठीक है ना, लिख लो 7 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है। इंटीमेशन देयर ऑफ टू बी सेंड टू द कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार, कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देना जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं मेन हेडिंग है, इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार, कौन देगा? ट्रिब्यूनल देगा, जब उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रोविजनल लिक्विडेटर का फाइंडिंग अप के लिए, तो 7 दिनों के अंदर अंदर का उसको इंटीमेशन देना जरूरी है, ठीक है। किसको? कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को, ठीक है ना, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना जरूरी है, ठीक है ना। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, नीचे देख लेते हैं हम एक थोड़ा सा चार्ट में। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? शेल, अगर लिस्टेड कंपनी है तो इंटीमेट करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को, लिस्टेड कंपनी है तो। जब ये वाइंडिंग अप के लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, ये कंपनी लिक्विडेटर या ऑफिस कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, तो रजिस्ट्रार को इंटीमेशन मिलते से ही वो क्या करेगा, जिसे रिसिप्ट मिलेगा कि हाँ ये अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये रजिस्ट्रार लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देगा, या दूसरी दूसरी कंपनी जो भी है तो वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगा कि भैया इसका लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है। किस किस को दे देगा? पहले तो लिस्टेड कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देगा, रिसिप्ट ऑर्डर दे देगा, दूसरा अपन इंटीमेट कर देंगे ऑफिशियल गजट में कि भैया यार अगर दूसरी कंपनी से नॉन लिस्टेड तो फिर वो ऑफिशियल गजट में इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी डीम टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी डिस्चार्ज टू ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, ठीक है ना। वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है माना जाएगा कि डिस्चार्ज कर दिया गया सभी को, ऑफिसर्स हो एम्प्लॉयज हो, ये सभी को डिस्चार्ज हो चुका होना चाहिए, मतलब ये वाइंडिंग अप ऑर्डर उनको पता होना चाहिए ऑफिसर एम्प्लॉयज को कि यार वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका है इस कंपनी के बिहाफ में। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी, वाइंडिंग अप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी, कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कौन? कंपनी लिक्विडेटर कि भैया यहाँ पे एक वाइंडिंग अप कमेटी जो है कंप्राइज करो, बनाओ क्या बनाओ, वाइंडिंग अप कमेटी बनाइए। वाइंडिंग अप कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू द ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप कमेटी जो है कंप्राइज करेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू द ट्रिब्यूनल, नॉमिनी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, जो कि प्रोफेशनल नॉमिनेट किए गए हैं बाय ट्रिब्यूनल। तो ये वाइंडिंग अप कमेटी में ये सब लोग रहेंगे, कौन बनाएगा पहले ये कंपनी लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देके वाइंडिंग अप कमेटी बनाएगा, कौन बनाएगा? कंपनी लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देके एक वाइंडिंग अप कमेटी का गठन करेगा। वाइंडिंग अप कमेटी में कौन कौन होंगे? ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कि ट्रिब्यूनल के साथ अटैच, ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू ट्रिब्यूनल, नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर जो कि क्रेडिटर्स जिनसे कंपनी को पैसा मिला है वो सभी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उन सभी के नॉमिनी वहाँ पे उसमें कंप्राइज रहेंगे, मतलब उस वाइंडिंग अप कमेटी में रहेंगे। तीसरा, प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, क्यों इन सबको रखा गया? ऑफिशियल लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को तो रखना जरूरी है कि भैया कमेटी है तो इसको मेनली लिक्विडेटर ही ऑपरेट वो हेड लीड करेगा। दूसरा, जो भी सिक्योर क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स अपने पॉइंट्स रख सकें इसलिए उसके अंदर नॉमिनी ऑफ सिक्योर क्रेडिटर को रखा जाएगा। तीसरा, प्रोफेशनल जो नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी प्रोफेशनल्स नॉमिनेट किए जाएंगे वो सब भी इसके अंदर आएंगे।
पांचवा देखते हैं, फंक्शंस ऑफ द वाइंडिंग अप कमेटी। वाइंडिंग अप कमेटी के फंक्शंस क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। टेक ओवर ऑफ असेट्स, ठीक है ना, टेक ओवर करना असेट्स को, असेट्स। ये वाइंडिंग अप कमेटी जो बन जाएगी ना, ये सभी फंक्शन करेगी जो भी लिक्विडेशन का काम रहेगा, मेनली सभी का। तो कुल मिला के 9 पॉइंट बताए गए हैं वैसे तो, ये सही काम जो रिलेटेड दिमाग में आया ना, ये एग्जाम में लिख देना कि भैया यार ये जो जो काम करती है फंक्शंस ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी, क्या क्या है, टेक ओवर असेट करना, असेट का टेक ओवर करना, एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी बनाए गए हैं उन सभी का एग्जामिनेशन करना। तीसरा रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कैश या एनी अदर असेट, ठीक है ना, रिकवरी करना प्रॉपर्टी की, कैश या एनी अदर असेट का। रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स और अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और अकाउंट्स का रिव्यू करना। सेल ऑफ असेट्स, असेट्स का बेचना, ये सभी चीज़ करना जो भी रहती है यार, जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड रहेगी, लिक्विडेशन से रिलेटेड रहेगी, ये सभी काम कौन कर रहा है, ये करेगी वाइंडिंग अप कमेटी, ठीक है ना। वाइंडिंग अप कमेटी के सभी फंक्शन करना है, टेक ओवर करना, असेट्स ले ली पहले तो कंपनी की, उसका एग्जामिनेशन करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एग्जामिनेशन करना, रिकवरी करना कोई प्रॉपर्टी केस या एनी असेट्स उसकी रिकवरी करना। चौथा रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स का रिव्यू करना और अकाउंट्स का, ठीक है ना। सेल ऑफ असेट्स की बिक्री करना। फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज को फाइनलाइज करना, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज करना, अमेंडमेंट करना, अबेडनमेंट और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज, अबेडनमेंट और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स करना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो भी डिविडेंड पेमेंट करना बनता है, ड्यू पड़ा है ये करना चाहिए अभी कंपनी को, वो सभी पे आउट कर देना। एसेट बेच देना, रिव्यू करना ऑडिट रिपोर्ट अकाउंट्स, ठीक है ना, और कोई दूसरा फंक्शन जो भी उसको उचित लगता है वो सभी वाइंडिंग अप कमेटी करेगी, दूसरा फंक्शन जितने भी हैं। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ द कमेटी बिफोर ट्रिब्यूनल, रिपोर्ट ऑफ एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी बिफोर ट्रिब्यूनल, ये रिपोर्ट देना एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है ना, ऑफ द कमेटी बिफोर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की आगे ये सबमिट करना। कंपनी लिक्विडेटर शेल प्लेस बिफोर ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑन मंथली बेसिस। कंपनी लिक्विडेटर को एक ट्रिब्यूनल के आगे एक रिपोर्ट देना चाहिए अलॉन्ग विद मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है ना, मिनट्स मीटिंग्स के मिनट्स के साथ साथ ट्रिब्यूनल के आगे एक रिपोर्ट देना चाहिए मंथली बेसिस पे, टिल द फाइनल रिपोर्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल। जब तक की फाइनल रिपोर्ट डिसोल्यूशन की कंपनी की सबमिट नहीं कर सकती ट्रिब्यूनल के आगे, तब तक तो उसको मंथली बेसिस पे एक रिपोर्ट देते जाना चाहिए, जो जो मीटिंग्स होती है उनके मिनट्स भी देते जाना चाहिए किसको, ट्रिब्यूनल को, कंपनी लिक्विडेटर को। तो ये रिपोर्ट देने का काम है मेनली, कंपनी लिक्विडेटर का काम क्या होगा, एक तो मिनट्स देते जाओ और मतलब रिपोर्ट देते जाओ किसको, ट्रिब्यूनल को, मंथली बेसिस पे, जब तक कि फाइनल आपका रिपोर्ट नहीं बन जाए डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी की, ठीक है ना। साथ वो देखते हैं, कंपनी लिक्विडेटर प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट, कंपनी लिक्विडेटर को शेल प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द वाइंडिंग अप कमेटी। एक फाइनल रिपोर्ट बनाना उसके काम है, ठीक है ना। फाइनल रिपोर्ट सो अप्रूव बाय द वाइंडिंग अप कमेटी शैल बी सबमिटेड बाय द कंपनी लिक्विडेटर बिफोर द ट्रिब्यूनल। जो भी रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट वाइंडिंग अप कमेटी जब अप्रूव करती है, जब भी वाइंडिंग अप कमेटी फाइनल रिपोर्ट अप्रूव करेगी, वैसे के वैसे कंपनी लिक्विडेटर को ये ट्रिब्यूनल के आगे फाइल करना जरूरी है, ठीक है ना, सबमिट कर देना चाहिए किसको, ट्रिब्यूनल को। अब दो 278 सेक्शन 278 में बताया गया है इफेक्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, देखिए। ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, सभी क्रेडिटर के फेवर में ऑपरेट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटर इसके, एज इफ इट हैज मेड आउट ऑन द जॉइंट पिटीशन ऑफ द क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। ऑर्डर वाइंडिंग अप का ऑपरेट करेगा सभी के फेवर में, सभी क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज के फेवर में ऑपरेट करेगा, जैसे कि ये मनाया गया था इन द जॉइंट पिटीशन ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, एज इफ इट हैज मेड आउट ऑन द जॉइंट पिटीशन ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब सेक्शन 279 में देखेंगे वाइंडिंग अप ऑर्डर, ठीक है ना, स्टे ऑफ सूट्स वाइंडिंग अप ऑर्डर, सूट्स और लीगल प्रोसेसिंग कैन बी कमेंस्ड आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर ओनली विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के परमिशन से ही, ठीक है ना। सूट से लीगल प्रोसीडिंग कैन बी कमेंस्ड आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑर्डर या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर ओनली विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के परमिशन से जो भी सूट्स या लीगल प्रोसीडिंग्स कमेंस किए जा सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ओनली परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के परमिशन पे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर, ठीक है ना। इन सभी के आधार पे कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स डालना हो, ठीक है ना, आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑर्डर या अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, इन चीज़ों के ऊपर आपको कोई सूट करना है कि भैया यार ये वाइंड अप का आपने ट्रिब्यूनल ने जो दिया है वाइंड अप ऑर्डर, इसके अगेंस्ट में हमको सूट करना है, लीगल प्रोसीडिंग करना है, तो ये सिर्फ परमिशन ट्रिब्यूनल के आधार पे किया जा सकता है, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल की परमिशन पे सूट कर सकते हो, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील, नथिंग शेल अप्लाई एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी प्रोसीडिंग्स जो कि पेंडिंग है अपील में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील, अपील में पड़ी हुई है, कोई भी शेल अप्लाई एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो अपील इसके अंदर नहीं पेंडिंग रहेगी, ठीक है ना। इंग्लिश प्रोसीडिंग तो नथिंग शेल अप्लाई, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, इस सेक्शन का कुछ भी चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, नथिंग सेक्शन वन जो कि सेक्शन सबसेक्शन वन जो 279 में वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, 280 में बताया गया सेक्शन 278 केसेस दैट कैन बी हैंडल्ड बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब ज्यूरिसडिक्शन जो कि ये सभी केसेस जो कि
ट्रिब्यूनल हैंडल कर सकता है। 280 में बताया गया जुरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल एनी सूट्स और प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द कंपनी, ये सभी केसेस हैं ये हैंडल किया सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है ना। ये जुरिसडिक्शन है मतलब ये दायरा है, ये सभी केसेस हैं जो कि ट्रिब्यूनल हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स कंपनी के द्वारा या अगेंस्ट द कंपनी हो रहा है ये ट्रिब्यूनल हैंडल कर सकता है। कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट या बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा किया गया है किसी के अगेंस्ट या फिर कंपनी के अगेंस्ट ही किसी ने किया है तो ये सभी ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। एनी क्लेम मेड बाय द अगेंस्ट द कंपनी, कोई भी क्लेम कंपनी के अगेंस्ट किया गया कि भाई कंपनी को ये पेमेंट करना है वो सभी ट्रिब्यूनल हैंडल कर सकता है। ये दायरा है, ये केसेस है जो कि ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ठीक है ना। तीसरा, एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 233, कोई भी एप्लीकेशन जो कि सेक्शन 233 जो कि फास्ट ट्रैक मेजर है उसके अंदर दी गई है, सेक्शन 233 अपने फास्ट ट्रैक मेजर देखा था उसमें कोई एप्लीकेशन दी गई है वो ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। कोई दूसरा मैटर इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से संबंधित कोई दूसरा मैटर है वो सभी ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। एनी अदर मैटर इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप, सभी मैटर्स हैंडल करेगा कौन? ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। ये ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल है। 280 अपने को 303 तो जाना अभी तो बहुत बचे हैं, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 281 सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय कंपनी लिक्विडेटर, सेक्शन 281 सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट दी जाएगी बाय कंपनी लिक्विडेटर 281 में, सेक्शन 281 में, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल हैज मेड और वाइंडिंग अप ऑर्डर अपॉइंटमेंट अ कंपनी लिक्विडेटर, अपॉइंट कर रहा है कंपनी लिक्विडेटर, ये लिक्विडेटर शैल विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर सबमिट टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। ये चीजें जो है रिपोर्ट देना है कंपनी लिक्विडेटर को, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल हैज मेड वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया, अपॉइंट कराए कंपनी लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को 60 दिन के अंदर का ऑर्डर के सबमिट करना है ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट, 60 दिन के अंतर्गत किसी भी तरीके में 60 दिन के अंतर्गत कंपनी लिक्विडेटर को रिपोर्ट देना है। 281 में यही बताया गया है कि भैया उसको किसको कंपनी लिक्विडेटर को रिपोर्ट करना है 60 दिन के अंतर्गत, मंथली बेसिस पर करना है वो एक अलग चीज़, बाकी एक लिक्विडेटर रिपोर्ट 60 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना, जैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक पहली रिपोर्ट तो देना ही है। उसमें क्या क्या चीज़ होगी, कंटेंट्स ऑफ लिक्विडेटर रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, नेचर ऑफ डिटेल्स क्या क्या रहेंगे, असेट्स ऑफ कंपनी, नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द असेट्स ऑफ कंपनी, असेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के पास किस प्रकार की असेट्स है उसकी डिटेल देना रहेगी। दूसरी, अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितनी है और कैपिटल इशू कितनी हुई है ये अमाउंट देना पड़ेगा उसमें। तीसरा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बतानी है, डेप्ट्स बतानी है, डेप्ट्स ड्यू टू द कंपनी, कंपनी की तरफ कौन कौन सी डेप्ट्स ड्यू है, गारंटीज जो कि एक्सटेंड की गई है बाय द कंपनी वो बतानी है, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड ड्यूज जो जब देना है वो सभी आपको दिखाना है, उन सभी की लिस्ट, डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो अपने पास पड़ी है वो डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जॉइंट वेंचर्स एंड कोलेबरेशन, जो जो सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है जॉइंट वेंचर्स और कोलेबरेशन से उनके बारे में डिटेल देना, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी की डिटेल देना, डिटेल ऑफ लीगल केसेस फाइल बाय द अगेंस्ट द कंपनी, डिटेल जो है लीगल केसेस जो फाइल किए गए हैं अगेंस्ट कंपनी के द्वारा फाइल किए गए हैं वो सभी डिटेल, उन सबकी डिटेल आगे देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर टू गिव डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या है टू गिव डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, ठीक है ना। ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर टू गिव डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन देने की ड्यूटीज क्या क्या है लिक्विडेटर की, इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट द मैनर इन विच द कंपनी वॉज प्रमोटेड ऑफ फॉर्म एंड द वेदर इन हिज ओपिनियन एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड। ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर टू गिव डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ड्यूटीज क्या है लिक्विडेटर की, लिक्विडेटर जो लिक्विडेट कर रहा है कंपनी को उसकी ड्यूटीज क्या क्या है डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन की, इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट द मैनर जिसमें कि कंपनी वॉज प्रमोटेड और फॉर्म, कंपनी प्रमोट की गई थी या फॉर्म की गई थी, एंड वेदर इन हिज ओपिनियन एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, वेदर उसके ओपिनियन में कोई फ्रॉड कमिट किया गया था या नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये ड्यूटीज है लिक्विडेटर की, ये इन्फॉर्मेशन देना रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर और क्या देना है, रिपोर्ट ऑन वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी, ऑल्सो मेक ऑन रिपोर्ट ऑफ वायबिलिटी, वायबिलिटी किसी बिजनेस की पोजिशन किसी वो बताना जरूरी वायबिलिटी, ठीक है ना। इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का इंस्पेक्शन करना, ठीक है ना। क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट एट ऑल रीजनेबल टाइम्स टू इंस्पेक्ट द रिपोर्ट एंड टेक कॉपीज देयर ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना। क्रेडिटर ये कॉन्ट्रीब्यूटर जो है कंपनी के शैल बी एंटाइटल्ड, वो एंटाइटल्ड रहेंगे बाय हिमसेल्फ उनके खुद के द्वारा या उनके एजेंट के द्वारा सभी टाइम्स या एट रीजनेबल टाइम टू इंस्पेक्ट करने के लिए रिपोर्ट एंड टेक कॉपीज देयर ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना। इंस्पेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट्स कौन कौन, क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर ये सभी चाहें या उसके एजेंट चाहें सब किसी भी एक उपयुक्त पर्याय समय पर अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं उन रिपोर्ट का और उनकी कॉपीज ले सकते हैं चाहे तो क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर, इसमें मतलब जिसका इंटरेस्ट हो उन सभी को रीजनेबल टाइम पे आप ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं चाहे जब आपको अटके आ गया, ऐसा नहीं, रीजनेबल टाइम में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो उन रिपोर्ट्स का, ठीक है, और उसकी कॉपीज भी ले सकते हो। सेक्शन 282 में डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस क्या है ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर के रिपोर्ट पे, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल ने क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कंपनी लिक्विडेटर के ट्रिब्यूनल कैसे टाइम लिमिट फॉर द प्रोसीडिंग्स शैल बी फिक्स्ड, ठीक है ना। रिविजन ऑफ टाइम लिमिट, ट्रिब्यूनल मे इज ऑफ ओपिनियन एट एनी टाइम, ठीक है ना,
प्रिजन के लिए कर सकता है, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल शैल कंसीडर और रिपोर्ट ऑन कंपनी लिमिटेड फिक्स अ टाइम लिमिट विच द एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। टाइम लिमिट ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी फिक्स्ड, इसके अंदर टाइम लिमिट जो है वो फिक्स होनी चाहिए। ये ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या है कि कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट जो है ये उसमें डायरेक्शंस दिया है कि टाइम लिमिट जो है प्रोसीडिंग्स की फिक्स होना चाहिए। रिवीजन ऑफ टाइम लिमिट अगर होता है तो वो भी रिपोर्ट में देना, टाइम लिमिट फिक्स करना। दूसरा ऑर्डर फॉर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल मे एट एन एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिट टू इट बाय द कंपनी लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज या एनी पर्सन इंटरेस्टेड ऑर्डर सेल ऑफ कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न और इट्स असेट और पार्ट देयर ऑफ। रिपोर्ट के एग्जामिनेशन पे ट्रिब्यूनल दे सकता है कि कंपनी लिक्विडेटर क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर या कोई इंटरेस्टेड पर्सन उनको ऑर्डर फॉर सेल ऑफ द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न और इट्स असेट आर पार्ट देयर ऑफ, उनको मतलब इनको ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल एग्जामिनेशन पे कि भैया ये हाँ आप लोग कंपनी लिक्विडेटर क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ये ऑर्डर कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट में हम ऑर्डर कर सकते हैं कंपनी का सेल एज अ गोइंग कंसर्न या फिर उसकी असेट या पार्ट देयर ऑफ, उनका सेल हम ऑर्डर कर सकते हैं, ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा। तीसरा, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन और फ्रॉड, ऑफ फ्रॉड, कमीशन ऑफ फ्रॉड के रिस्पेक्ट में ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कंपनी की अगेंस्ट में, कंपनी जो है उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है ट्रिब्यूनल में, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ फ्रॉड, कमीशन ऑफ फ्रॉड के संबंध में संदर्भ में, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ फ्रॉड। अगला देख लेते हैं, ट्रिब्यूनल टू टेक मेजर्स टू सेफगार्ड द असेट्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल टू टेक मेजर्स, ट्रिब्यूनल को जरूरत है मेजर्स लेने की टू सेफगार्ड द असेट्स ऑफ द कंपनी, टू सेफगार्ड द असेट्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल टेकिंग सच स्टेप्स एंड मेजर्स एज मे बी नेसेसरी टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल वो सभी कदम उठा सकता है, वो सभी मेजर्स ले सकता है जैसा कि जरूरी लगे उसे एनहांस करने के लिए वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यू ऑफ द असेट्स, कंपनी की असेट्स की वैल्यू एनहांस करने के लिए, ट्रिब्यूनल टू टेक मेजर्स टू सेफगार्ड करने के लिए असेट्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल टू टेक सच स्टेप्स एंड मेजर्स एज मे बी नेसेसरी टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, एनहांस करने के लिए वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, वो सभी मेजर्स ट्रिब्यूनल ले सकता है कंपनी के हित में जो जो लगे उसे, ठीक है ना। अगला देखते हैं सेक्शन 283 कस्टडी ऑफ कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है ऑन द वाइंडिंग अप प्रोसीजर जब जब चल रही होगी तब किसके पास रहेगी कस्टडी, ठीक है ना। कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टीज 283 में बताया गया है लिक्विडेटर शेल टेक इनटू हिज और इट्स कस्टडी और कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टी इफेक्ट्स और एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना, कंपनी, ठीक है ना, कौन कंपनी की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है लिक्विडेटर को अपनी कस्टडी या कंट्रोल में ले लेना चाहिए सभी प्रॉपर्टी इफेक्ट्स और एक्शनेबल क्लेम्स, उसके पास जो भी होंगे कंपनी के पास सभी प्रॉपर्टी इफेक्ट्स एंड एक्शनेबल क्लेम्स वाइंडिंग अप के टाइम अपने पास रख लेना चाहिए लिक्विडेटर टू टेक इनटू हिज कस्टडी या कंट्रोल, ठीक है ना। अगला देखते हैं सेक्शन 284 प्रमोटर्स डायरेक्टर्स टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, 284 में ये बताया गया है। जो भी प्रमोटर कंपनी के डायरेक्टर से जब वाइंडिंग का प्रोसीजर चल रही है तब आपको कोऑपरेट करना है किसको, कंपनी लिक्विडेटर को उस वाइंडिंग का प्रोसीजर में, ठीक है ना, पूरा कोऑपरेशन करना, टू एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन टू द लिक्विडेटर्स और ऑन फेलियर ऑफ द ऑब्लिगेशंस, अगर ये कोऑपरेशन नहीं किया गया ऑन फेलियर ऑफ द ऑब्लिगेशंस वेयर एनी सच पर्सन फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन पनिशेबल रहेगा विद द इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 6 months या फाइन एक्सटेंड टू 50,000 rupees या फिर बोथ। मतलब आपको तो कोऑपरेट करना है कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, आपकी जो भी मैनेजर हो डायरेक्टर हो प्रमोटर हो कंपनी के, आपकी लाइबिलिटी है कि आपको कोऑपरेट करना है कंपनी लिक्विडेटर को, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो आप आपकी ये ऑब्लिगेशन करने डिस्चार्ज करने में फेल हो रहे हो तो आप पनिशेबल रहे होंगे 6 महीने के कारावास तक के लिए या फिर 50,000 तक का जुर्माना आपको दिया जा सकता है, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको लायबल माना जा सकता है ऑन फेलियर टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन या फिर इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 6 months या फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 rupees और विथ बोथ, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, ये है सेक्शन 285, इसमें हम देखेंगे सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज का सेटलमेंट और एप्लीकेशन ऑफ असेट, असेट का एप्लीकेशन किस प्रकार होगा, ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म एक्ट्स टू सेटल द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज को सेटल करना, ट्रिब्यूनल को परफॉर्म करना है वो सभी कार्य सेटल करने के लिए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट को सेटल करने के लिए। दूसरा, कॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन ऑल केसेस वेयर द रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का रेक्टिफिकेशन करना जहां जहां पे भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है सभी मेंबर्स का, ठीक है ना।
ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म करना, ट्रिब्यूनल को परफॉर्म करना पड़ेगा वो सभी एक्ट जो कि सेटल करना है, एक लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज को, या कॉज करना रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को इन ऑल केसेस जहां भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या शेल कॉज द असेट्स ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटीज, और कॉज करना चाहिए असेट्स ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड करने के लिए फॉर डिस्चार्ज करने के लिए उसकी लाइबिलिटीज, शेल कॉज द असेट्स ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी, असेट्स ऑफ कंपनी को डिस्चार्ज करने के लिए उसकी लाइबिलिटी, ये सभी चीज़ वो लगा सकता है कि भैया तुम असेट्स ऑफ द कंपनी जो है अप्लाई कर दो, कि भैया कंपनी को असेट्स लगा दो ये डिस्चार्ज करने की लाइबिलिटी, ये अगर ट्रिब्यूनल को लगे तो ये सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए और एप्लीकेशन ऑफ असेट्स को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो भी क्रेडिटर्स वगैरह की लिस्ट है इन सब की कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, उसको सेटलमेंट करने के लिए अपनी असेट्स को अप्लाई करने के लिए ट्रिब्यूनल परफॉर्म कर सकता है चाहे तो, खुद इच्छा करे तो 285 के अंदर। रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वेयर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, पर्सन लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, पर्सन लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। अ पर्सन कौन कौन लायबल रहेगा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए असेट्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, कंपनी के असेट्स के प्रति कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन लायबल रहेगा। पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर शैल नॉट लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, शैल नॉट बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, पर्सन जो कि मेंबर रहा है हु हैज बीन अ मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द प्रीसीडिंग वन ईयर और मोर, ठीक है ना। जो कि मेंबर रहा है पर्सन है हु हैज बीन मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, जो पहले मेंबर रह चुका है वो नहीं लायबल रहेगा, शैल नॉट बी लायबल। A person who has been a member, पहले member रह चुका है वो liable नहीं रहेगा, अगर वो ceased to be a member for the preceding one year or more, पिछले एक साल से वो member नहीं रहा है, एक साल या उससे ज़्यादा के पहले वो member नहीं रहा है, तो उसको अपनी assets के प्रति contribute करने के लिए liable नहीं रहेगा। यानी list of contributors जो हम पढ़ते थे अपने लिक्विडेशन में, ठीक है ना, तो वो बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बताई गई है कि भैया जिस जिस वो पर्सन जो कि मेंबर्स रह चुके हैं वो लायबल नहीं रहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन मेंबर जो एक साल या उससे पहले पिछले एक साल या उससे पहले मेंबर रहे हों, ठीक है ना, एक साल या उससे ज्यादा की अवधि के पहले मेंबर रहे हों। या दूसरा, पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट या लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, पर्सन जो कि मेंबर रहा हो वो लायबल नहीं रहेगा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट उधारी पे या लायबिलिटी ऑफ द कंपनी के संदर्भ में। अ पर्सन जो कि मेंबर रहा हो नॉट बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट या लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इफ सच डेब्ट या लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज्ड टू बी अ मेंबर, अगर वो डेब्ट या लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की गई है आफ्टर ही सीज्ड टू बी अ मेंबर, अगर वो मेंबर रहने में सीज हो चुका है, इस सच डेब्ट या लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की गई है आफ्टर ही सीज्ड टू बी अ मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं रहा है तो, ठीक है, उसके मेंबर रहने के बाद कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, डेब्ट अट्रैक्ट हो जाती है, तो पर्सन तब भी लायबल नहीं है। मतलब वो मेंबर भले पिछले साल की अवधि में था परंतु जब तक वो था तब तक वो लायबिलिटी नहीं थी, तब तक वो डेब्ट ही नहीं थी कंपनी के ऊपर, परंतु उसके मेंबर के पद से हटने के बाद, मेंबर ना होने के बाद वो लायबिलिटी आई है, तब भी वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं रहेगा। उसके अवधि तक जब तक वो मेंबर था तब तक जो लायबिलिटीज थी उसी के लिए वो लायबल रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर शैल बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, अगर पर्सन जो कि मेंबर है वो लायबल रहेगा अभी वर्तमान में, इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट द प्रेजेंट मेंबर्स आर अनेबल टू सेटिस्फाई, ठीक है ना। पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर शैल बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, अगर ऐसा लगता है पर्सन वो सभी मेंबर जो पिछले एक साल में थे मेंबर वो सभी लायबल रहेंगे, अगर ऐसा लगता है कि अगर जो वर्तमान मेंबर है प्रेजेंट मेंबर्स अनेबल टू सेटिस्फाई द डेब्ट, अगर वो डेब्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में बता दिया कि भैया वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कॉन्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल या उससे पहले मेंबर रहे हैं एक साल के पहले से। दूसरे में बता दिया गया क्योंकि उनके मेंबर रहने के बाद डेब्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट हुई है कंपनी के संदर्भ में। तीसरे में बताया गया है अगर वो पर्सन लायबल रहेंगे अगर वर्तमान मेंबर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो प्रेजेंट मेंबर अनेबल है टू सेटिस्फाई द देयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि उनसे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। कितना अमाउंट वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि अमाउंट अनपेड है, ठीक है ना। इनकेस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो जो कि एक अमाउंट शेयर्स पे अनपेड है वो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अमाउंट जो कि कंपनी लिमिटेड बाय हाँ अगर कंपनी पर हाँ जैसा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता तो जितनी गारंटी अमाउंट बनती तो वो उतना अमाउंट पेड अप करेंगे, ठीक है ना, उस अमाउंट के लिए वो लायबल रहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं सेक्शन 286 में ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के ऑब्लिगेशंस क्या है। सेक्शन 286 में बताया गया है ऑब्लिगेशन क्या है डायरेक्टर और मैनेजर की। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है पर्सन की। कब कब ये ऑब्लिगेशन डायरेक्टर मैनेजर के रहेंगे कब कब देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ भी पर्सन हु इज और हैज बीन द डायरेक्टर या मैनेजर हु लायबिलिटी इज अनलिमिटेड बी लायबल टू मेक द फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इफ ही वर एट द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है ना। लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड कंपनी है आपकी, तब भी डायरेक्टर या मैनेजर ऐसे पर्सन हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। पर्सन हु इज और हैज बीन द डायरेक्टर या मैनेजर हुज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड बी लायबल टू मेक अ फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इफ ही वर एट द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप,
जैसा कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा कि रहा हो एज इफ इट वर विद द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है ना। पर्सन सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर और मोर, पर्सन जो कि सीज कर दिया गया है बी लाइबल टू मेक फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट वर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है ना। पर्सन सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर वन ईयर और मोर, जो पर्सन जिसने एक साल या उससे ज्यादा में ऑफिस होल्ड नहीं किया गया हो, प्रोवाइडेड वो उसने ऑफिस एक साल या उससे पहले होल्ड नहीं किया गया, मतलब उसने अगर एक साल या उससे पहले किया होता तो लाइबल नहीं है ये पर्सन, नॉट लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी डेट और लाइबिलिटी आफ्टर ही सीज टू होल्ड ऑफिस। वही बात, ये डायरेक्टर या मैनेजर जो कि उन लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल नहीं रहेगा जब तक उसने होल्ड ऑफिस नहीं किया था, उसके बाद अगर कुछ डेप्ट या लाइबिलिटी राइज हुई तो उसके लाइबल नहीं है, जब तक उसने ऑफिस होल्ड किया तब तक की जो डेप्ट लाइबिलिटी है उसके लिए वो डायरेक्टर या मैनेजर पर्सनली लाइबल रह सकता है, बियॉन्ड लिमिटेड कंपनी वो अनलिमिटेड भी लाइबल रह सकता है, ठीक है ना। तीसरा, पर्सन नॉट लाइबल अनलेस द ट्रिब्यूनल डीम्स इट नेसेसरी टू सेटिस्फाई द डेब्ट्स और लाइबिलिटीज, अनलेस ऐसा लगे कि ये जरूरी है कि डेब्ट और लाइबिलिटी सेटिस्फाई करना जरूरी है, जब तक के लिए लाइबल नहीं रहेगा। जब तक कि ट्रिब्यूनल को ये नहीं लगे कि यार ये डेब्ट या लाइबिलिटी कंपनी की जरूरी है पेमेंट करना, तब तक वो पर्सन यानी कि डायरेक्टर या मैनेजर वो तब तक लाइबल नहीं है जब तक कि वो डेब्ट ऐसा लगे नहीं कि जरूरी है, इट इज कंपलसरी टू सेटिस्फाई, ठीक है ना। तब तक पर्सन इज नॉट लाइबल अनलेस द ट्रिब्यूनल डीम्स इट नेसेसरी टू सेटिस्फाई द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, जब तक उसको नेसेसरी नहीं लगे ट्रिब्यूनल को तब तक वो लाइबल नहीं। हमने देखी थी वाइंडिंग अप कमेटी, अब आ गई है एडवाइजरी कमेटी। 287 सेक्शन 287 में हम देखेंगे एडवाइजरी कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ट्रिब्यूनल वाइल पासिंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप टू एडवाइज द कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है ना। एक एडवाइजरी कमेटी बना सकती है, डायरेक्ट देयर शैल बी एन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द कंपनी लिक्विडेटर वाइल पासिंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करे तब वो कंस्टिट्यूट करेगी एक एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द कंपनी लिक्विडेटर। इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या होगा एडवाइजरी कमेटी में, एडवाइजरी कमेटी में कंपोजिशन होगा, ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स से ज़्यादा उसमें नहीं होंगे, कंपोजिशन में नहीं होंगे, एडवाइजरी कमेटी में 12 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं रहेंगे कि यार ये एडवाइस करने के लिए कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइस करने के लिए काय का, हाँ लिक्विडेशन का, वाइंडिंग अप का लिक्विड वाइंडिंग अप का एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट होगी और इसमें कंपोजिशन जो होगा शैल नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स, कंपोजिशन में 12 महीने से हाँ 12 मेंबर्स सॉरी 12 मेंबर्स नहीं रहेंगे, 12 मेंबर्स से ज़्यादा इसमें नहीं रहेंगे। किसमें, एडवाइजरी कमेटी में, इनमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं एडवाइजरी कमेटी में, क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरी हो कोई दूसरे पर्सन जो भी इन सच प्रपोर्शन जैसा भी उनको उचित लगे, जैसा कि ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट जैसा कि ट्रिब्यूनल को उचित लगे, मतलब कंपोजिशन 12 मेंबर होना चाहिए एडवाइजरी कमेटी में, लिक्विडेटर को एडवाइस करने के लिए 12 मेंबर की जरूरत रहेगी एक एडवाइजरी कमेटी की, उनके अंदर क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरीज रहेंगे कंपनी के। दूसरा, वो सच अदर पर्सन इन सच प्रपोर्शन जैसा कि ट्रिब्यूनल को सही लगे, ठीक है ना। बात दूसरी देखें हम, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का अधिकार रहेगा एडवाइजरी कमेटी के पास, कंपनी लिक्विडेटर शैल बी अ चेयरपर्सन, कंपनी लिक्विडेटर जो है उस एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन रहेगा और उस एडवाइजरी कमेटी में जो चेयरपर्सन है कंपनी लिक्विडेटर है क्योंकि वाइंडिंग अप कर रहा है और उस कंपनी लिक्विडेटर को पूरी कमेटी जो 12 मेंबर्स की कमेटी है वो एडवाइस दे करेगी, उसके अंदर क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरीज होंगे साथ साथ में ये दूसरे पर्सन जैसा भी ट्रिब्यूनल को उचित लगेंगे जो जो ट्रिब्यूनल को सही लगते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 288 सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को पीरियोडिकल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, ठीक है ना, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, रिव्यू ये देना जरूरी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना, रिव्यू द ऑर्डर्स मेड बाय इट और ऑर्डर्स जो जो उसके द्वारा दिए जा रहे हैं उनका रिव्यू करना। सेक्शन 289 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओमिट कर दिया गया है, तो खुशी मनाओ एक सेक्शन बचा तुम्हारा। चलिए सेक्शन 290 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, पावर्स और ड्यूटीज़ क्या हैं कंपनी लिक्विडेटर की, पावर्स और ड्यूटीज़ बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं और इसके बाद भी ढेर सारी हैं, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, पांच नहीं है आगे भी है। कंपनी लिक्विडेटर के पावर्स और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, कंपनी लिक्विडेटर जब वाइंडिंग अप प्रोसीजर ट्रिब्यूनल शुरू कर देगा तब उसके पास पावर आ जाएंगे क्या क्या का, कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस कैरी ऑन करने का, कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है कंपनी लिक्विडेटर, एंड टू डू ऑल एक्ट्स एंड टू एग्जीक्यूट इन द नेम ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, सभी एक्ट्स और एग्जीक्यूशन करना ऑन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे या उसके बिहाफ पे, ठीक है, टू कैरी ऑन बिजनेस, टू डू ऑल एक्ट्स एंड टू एग्जीक्यूट इन द नेम ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और तीसरा, टू सेल द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना, टू सेल करना इमूवेबल जो मूवेबल नहीं है मतलब रियल एस्टेट टाइप की प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना, सेल करना इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना, टू सेल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न, पूरी अंडरटेकिंग को सेल करना एज अ गोइंग कंसर्न कंपनी हो। पांचवा, टू रेज द मनी, रेज एनी मनी रिक्वायर्ड, जो जो मनी रिक्वायर्ड है उन सभी को रेज करना। तो पांच तो हमने देखा कि क्या क्या काम आएंगे कंपनी लिक्विडेटर की, पावर ऑफ ड्यूटी क्या है, कैरी ऑन करना बिजनेस, टू डू ऑल एक्शन एग्जीक्यूट इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ द कंपनी, टू सेल करना इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, टू सेल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न,
पूरी अंडरटेकिंग को बेचना कंपनी की एज अ गोइंग कंसर्न ठीक है, टू रेज द मनी एज अ रिक्वायर्ड टू द ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, असेट्स की सिक्योरिटी के तौर पे जो जो असेट पड़ी है उन सभी को बेचना, रेज द मनी रिक्वायर्ड ठीक है ना। फिर है टू इंस्टीट्यूट करना और डिफेंड करना एनी सूट्स इन द नेम ऑफ द ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इंस्टीट्यूट करना मतलब कोई डिफेंड, कोई सूट पड़ा हो कंपनी के बिहाफ पे आपको फाइल करने की जरूरत पड़ रही है कि यार ये कंपनी को बचाने के लिए कोई सूट डिफेंड करने के लिए, तो वो डिफेंड या सूट फाइल करना ये कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी रहेगी। मतलब वो सभी पावर जो एक कंपनी के मालिक के पास आ जाते हैं वो सभी कंपनी लिक्विडेटर के पास आ जाएंगे। टू इन्वाइट एंड सेटल द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज, क्रेडिटर और एम्प्लॉइज का सेटलमेंट का करना ठीक है। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स जो है कंपनी के वो इंस्पेक्ट करना। ड्रॉ एक्सेप्ट मेक एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ करना एक्सेप्ट करना और मेक करना एंड एंडोर्स करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी चेक होंगे वो ड्रॉ करेगा, जो भी आएंगे वो एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा, एंडोर्स किसी को पकड़ाना करना, वो सभी काम कंपनी लिक्विडेटर का है। टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस, प्रोफेशनल असिस्टेंस ऑब्टेन करना, टू टेक करना सभी एक्शन इन स्टेप्स जैसा कि उसको साइन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए पेपर को लगे वो सभी स्टेप्स जो भी लगेंगे उसको एज अ कंपनी लिक्विडेटर, वो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स के लिए डिस्चार्ज करने के लिए उसकी ड्यूटीज, वो सभी स्टेप्स वो लेगा ठीक है। अगला देख लेते हैं सेक्शन, ठीक है इतना काफी है। सेक्शन 291 देखते हैं, प्रोविजंस फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस टू द कंपनी लिक्विडेटर। प्रोफेशनल असिस्टेंस के बारे में क्या बताया गया, कंपनी लिक्विडेटर को प्रोफेशनल असिस्टेंस किस प्रकार मिल सकता है। कंपनी लिक्विडेटर टू अपॉइंट वन और मोर प्रोफेशनल्स, कंपनी लिक्विडेटर के पास अधिकार है कि वो अपॉइंट कर सकता है एक या उससे ज्यादा प्रोफेशनल्स। कौन कौन से, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, इन सभी को अपॉइंट कर सकता है कौन, कंपनी लिक्विडेटर। टू अपॉइंट वन और मोर प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स ठीक है ना। और डिस्क्लोज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोज कर सकता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ठीक है ना। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स पावर, एक्सरसाइज करना एंड कंट्रोल करना ऑफ कंपनी लिक्विडेटर पावर, सेक्शन 292 में बताया गया, एक्सरसाइज करना एंड कंट्रोल करना कंपनी लिक्विडेटर पावर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ये कंपनी लिक्विडेटर पर एक बार अपन चार्ट में देख लेंगे, ऊपर ही देख, चलो ऊपर देख लेते हैं ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ये कंपनी लिक्विडेटर रिकॉर्ड टू एनी डायरेक्शंस व्हिच मे बी गिवन बाय रेजोल्यूशन ऑफ द क्रेडिटर ठीक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ द क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एनी जनरल मीटिंग और बाय द एडवाइजरी कमिटी ठीक है ना। कंपनी लिक्विडेटर रिकॉर्ड टू एनी डायरेक्शंस व्हिच मे बी गिवन बाय कॉन्ट्रीब्यूटर या क्रेडिटर्स या फिर एडवाइजरी कमेटी, ये सभी का एडमिनिस्ट्रेशन करना असेट्स, ये सभी कंट्रोल कंपनी लिक्विडेटर के हाथ में रहेंगे, कंपनी लिक्विडेटर के एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ठीक है ना। ये इसके अंदर जो भी क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर कह रहे हैं या एडवाइजरी कमेटी कह रही है किस प्रकार से आप एडमिनिस्टर करो असेट्स को वो बताना है, तो उस हिसाब से आपको करना जरूरी है ठीक है ना। दूसरा, डायरेक्शंस गिवन बाय क्रेडिटर्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज शैल ओवरराइड एनी डायरेक्शंस गिवन बाय द एडवाइजरी कमेटी ठीक है ना। जो एडवाइजरी कमेटी के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं तो जो क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी द्वारा जो है वो उसके ऊपर ओवरराइड करेंगे, मतलब क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटर के डायरेक्शन ज़्यादा मान्य रहेंगे बशर्ते एडवाइजरी कमेटी के, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है ना अल्टीमेटली क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर का, तो एडवाइजरी कमेटी जो जो सजेस्ट करे उससे ऊपर क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी इसके डायरेक्शन माने जाएंगे ठीक है ना। समन्स फ्रॉम कंपनी लिक्विडेटर्स, कंपनी लिक्विडेटर क्या कर सकता है, कंपनी लिक्विडेटर समन कर सकता है मीटिंग्स का ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज का फॉर द पर्पस ऑफ असर्टिंग देयर विशेस, उनकी विशेस मालूम करने के लिए उनकी मीटिंग गठन कर सकता है कंपनी लिक्विडेटर, और ये मीटिंग्स ऐसे समय पे जैसा कि उसको उचित लगे मे बाय रेजोल्यूशन डायरेक्ट करने के लिए या फिर व्हेनेवर रिक्वेस्टेड राइट टू डू बाय नॉट लेस देन 1/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये मीटिंग तब भी हो सकती है कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, तब तक मीटिंग में पॉइंट किया सकती है रिजोल्यूशन जब पास किया गया कि यार क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर के मीटिंग करो, या फिर 1/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज कह रहे हैं, क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज की 1/10 मतलब 10% लोग कह रहे हैं, 10% वैल्यू वाले, 10% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज कह रहे हैं कि भैया मीटिंग करो और हमारी बातें हमारी विशेष मानो कि यार हमको क्या क्या चाहिए, किस प्रकार तुम असेट्स को यूज़ करो ठीक है ना। चौथा, अप्लाई टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द डिसीजन कंपनी लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं हाँ अगेंस्ट द कंपनी लिक्विडेटर, अगेंस्ट डिसीजन कंपनी के लिक्विडेटर ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में आप ट्रिब्यूनल को भी अप्लाई कर सकते हो, कौन, क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरीज ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 293, बुक्स टू बी कैप्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर को संभाल कर रखनी पड़ेगी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द एंट्रीज और मिनट्स, क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरी मे इंस्पेक्ट सच बुक्स, ये सभी बुक्स जो है कंपनी लिक्विडेटर की वो क्रेडिटर कंपनी लिक्विडेटर को संभाल कर रखनी है और ये सभी इंस्पेक्ट की जा सकती है क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटरी का सेक्शन 293। 294 में ऑडिट ऑफ कंपनीज लिक्विडेटर अकाउंट, कंपनी लिक्विडेटर के अकाउंट्स का ऑडिट ट्वाइस इन ईच ईयर, कंपनी लिक्विडेटर के अकाउंट का अकाउंट्स का ऑडिट, कंपनी लिक्विडेटर के अकाउंट्स का ऑडिट साल में दो बार होना चाहिए, ट्वाइस इन ईच ईयर, हर साल में दो बार होना चाहिए ठीक है ना। उसकी कॉपी का क्या होगा,
फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट्स विद द ट्रिब्यूनल एंड रजिस्ट्रार, और उसकी ऑडिटेड कॉपी का जो है फाइल करना ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार को जरूरी है। शैल बी ऑन ओपन इंस्पेक्शन, ओपन टू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के ओपन इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी कॉपीज ऑडिटेड, ठीक है ना। अकाउंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज, कंपनी लिक्विडर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ, कॉपी अकाउंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी से संदर्भ में कुछ भी अकाउंट्स कंपनी के पास हैं वो सभी अकाउंट्स कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को फॉरवर्ड करना जरूरी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है मेंबर, कंपनी जो है मेंबर है ऑफ गवर्नमेंट जो मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, या कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कॉपी देनी जरूरी है अकाउंट्स की, अगर बोथ गवर्नमेंट्स जो मेंबर है उस कंपनी के, ठीक है ना, दोनों गवर्नमेंट मेंबर हैं, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, सेक्शन 295, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स बाय द कंट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ, पेमेंट्स ऑफ डेब्ट बाय द कंट्रीब्यूटरीज एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ, पेमेंट ऑफ डेब्ट, डेब्ट का पेमेंट कंट्रीब्यूटरी के द्वारा और उनका सेट ऑफ, ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर टू पे एनी अमाउंट मनी ड्यू, ठीक है ना, पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग एनी कंट्रीब्यूटरी फॉर द टाइम बीइंग ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर टू पे एनी मनी ड्यू, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स बाय द कंट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ, ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर टू पे एनी अमाउंट, डी पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग एनी कंट्रीब्यूटरी फॉर द टाइम बीइंग ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज टू पे बाय ऑर्डर, ट्रिब्यूनल पास कर सकता है ऑर्डर जो भी अमाउंट ड्यू है कि भैया ये कंट्रीब्यूटरी के द्वारा जो डेब्ट है इसको पेमेंट करो किसी भी तरीके से, ये कंट्रीब्यूटरी का पेमेंट कर देंगे, चुकता करो। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इन मेकिंग एन ऑर्डर में बाय वे ऑफ सेट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, उसके द्वारा जो अमाउंट है उसको सेट ऑफ कर सकती है फ्रॉम द कंपनी बट नॉट एनी अमाउंट ड्यू टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड या प्रॉफिट, कुछ अमाउंट को सेट ऑफ भी कर सकता है ट्रिब्यूनल, जो भी कंट्रीब्यूटरी को पेमेंट देना पड़ रहा है उस पेमेंट के संदर्भ में वो अमाउंट को सेट ऑफ कर सकता है, जो जो उसको पैसा देना है ड्यू बचा है उसका अनलिमिटेड कंपनी केस में सेट ऑफ कर सकता है, परंतु परंतु बट नॉट एनी अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड या प्रॉफिट, एवरीथिंग कैन बी सेट ऑफ, सभी चीज़ सेट ऑफ की जा सकती है, जितना भी अमाउंट, जितना भी ड्यू पेमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी के डेब्ट के स्टेट में सभी चीज़ सेट ऑफ की जा सकती है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर दे कि भैया इन चीज़ों को सेट ऑफ कर दो, परंतु डिविडेंड या प्रॉफिट सेट ऑफ के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, डिविडेंड सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ट्रिब्यूनल कैसे कॉल्स कर सकता है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल, सेक्शन 296, ट्रिब्यूनल मेड एनी टाइम आफ्टर पासिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर मेक कॉल्स ऑन ऑल और एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना, या मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कॉल्स सो मेड, ठीक है ना। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल्स, ट्रिब्यूनल मे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर, ठीक है, जब भी ट्रिब्यूनल पास करे एट एनी टाइम पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर मेक कॉल्स ऑन ऑल एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज, कॉल कर सकता है किसी भी कंट्रीब्यूटरीज को ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना, मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कॉल्स सो मेड, ऑर्डर दे सकता है पेमेंट के लिए कि यार ये कॉल्स जो जो हैं इन सभी का पेमेंट करवाओ, ये 296 में बता दिया गया है कि पावर्स टू मेक कॉल्स, जैसा भी ट्रिब्यूनल को लगे कॉल्स कर सकता है, पैसा बुला सकता है उन सभी कंट्रीब्यूटरीज से जैसा भी उसको उचित लगेगा, ट्रिब्यूनल के पास सारे पावर है, ये लेके 200-300 दिन तक अभी तक चलते ही रहेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज का एडजस्टमेंट करना चाहे वो करेगा, सेट ऑफ करना चाहे वो कर सकता है। 298 पावर टू ऑर्डर कॉस्ट इन केस ऑफ द कंपनी इज बीइंग इनसफिशिएंट टू सर्टिफाई लाइबिलिटीज, जब उनकी लाइबिलिटी सफिशिएंट नहीं है, उन कंपनी के पास इतनी असेट नहीं है कि वो लाइबिलिटी सेटिस्फाई कर सके, तो कंपनी का करेगा पेमेंट ऑफ पावर टू ऑर्डर कॉस्ट भी है, इसमें इतना एडजस्टमेंट करके सेट ऑफ कर लो। इन केस द कंपनी असेट्स ऑफ द कंपनी बीइंग इनसफिशिएंट टू सर्टिफाई इट्स लाइबिलिटीज, पेमेंट आउट ऑफ असेट्स, असेट्स के अंदर से पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है, जो भी खर्चे हैं उनका असेट्स का पेमेंट, असेट्स से पेमेंट करने के बाद कर सकता है, जैसा भी उसको ट्रिब्यूनल को लगे उनका एडजस्टमेंट कर सकता है। पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, जिन ऐसा लगता है कि यार इन इन व्यक्तियों के पास कंपनी की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कुछ कुछ कंपनीज रहती है ना जब वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के टाइम पे आ सकता है, जो वाइंडिंग अप की प्रोसीजर उनके अगेंस्ट चलती है, तो देखा जाता है कि यार इस असेट्स के ऊपर भी किसी का और का अधिकार लगा हुआ है, किसी ने ये असेट्स किसी ने और ने रख रखी कंपनी की, तो उनको समन कंपनी ट्रिब्यूनल दे देगा, पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, समन ट्रिब्यूनल देगा कि भैया ये प्रॉपर्टी है कंपनी की, आप ये कंपनी की प्रॉपर्टी वापस से हमको दे दो। एग्जामिनेशन पे समन दे देगा, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन करेगा बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड पेपर्स दिखाएगा उनको, ठीक है, ऑर्डर करेगा, इफ द ट्रिब्यूनल फाइंड दैट द पर्सन इज इंडेटेड टू द कंपनी द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर हिम टू पे, अगर ऐसा लगता है कि पर्सन इंडेटेड है, कंपनी की प्रॉपर्टी एसेट्स उसके पास रखी है, मान लीजिए एक रियल स्टेट कंपनी होगी कोई, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसकी एसेट्स कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो किसी को दे रखी है रेंट पे, और वो इंडेटेड है कंपनी के प्रति, तो उसको पे करना है भैया, किराया दो और ज़मीन भी हमको वापस दो, ये ऑर्डर पास करेगा उसके अगेंस्ट में, उसको समन पर देगा कि, और ऑर्डर देगा कि भैया तुम हमारा पेमेंट भी दो और हमारी ज़मीन भी दो कंपनी की,
हुआ था ना कई बार ऐसा, कंपनी इस कारण से बिजनेस भी ढंग से नहीं कर पाती, ये ऐसी चीज़ें होती है। और फिर क्या होगा, एक सेकेंड, अ पर्सन इज इन पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कंपनी द ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर हिम टू डिलीवर। अगर पर्सन पोजिशन में हो, उसको कोई प्रॉपर्टी जो कंपनी को बिलोंग करती है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि वो डिलीवर कर दे, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी उनको दे दुआ दे। जैसा कि अपन ने देखा होगा यार किंग फिशर्स के केस में, जो जो प्रॉपर्टी थी कंपनी, ट्रिब्यूनल ने बोला कि भैया ये सब दे जाओ, ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं था, बाकी ऐसा ऑर्डर दे देगा कि भैया तुम सारी असेट्स देते जाओ। किंग फिशर ट्राइब पर केसेस होंगे तो उस कंपनी को, ठीक है ना, पर्सन समंड फेल टू अपीयर, जिनको पर्सन ने समन दिया है कि यार ये असेट्स देते जाना, वो फेल टू अपीयर, आ ही नहीं रहे, बोले हम तो कब्जा करके बैठे रहेंगे, हम तो जमीन भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे। अगर पर्सन को समन किया है और वो अपीयर नहीं हो रहा है, ट्रिब्यूनल में इम्पोज एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट, उस पर उतना खर्चा है, उस पर उतनी कॉस्ट लगा सकती है, उसको उस हिसाब से पेनलाइज भी कर सकती है जैसा उसको लगे ट्रिब्यूनल को। अब सेक्शन 300 पावर टू ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स, एग्जामिनेशन करेंगे किसका, प्रमोटर और डायरेक्टर का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसका ऑर्डर दे सकती है कौन, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल देगी ऑर्डर कि इनका एग्जामिनेशन करो, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का, ठीक है। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर द पर्सन टू अटेंड एंड बी एग्जामिन बिफोर द ट्रिब्यूनल, पावर टू ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर करने के लिए पर्सन टू अटेंड एंड एग्जामिन बिफोर द ट्रिब्यूनल, कंपनी लिक्विडेटर हैज मेड अ रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल स्टेटिंग दैट इन हिज ओपिनियन अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय एनी पर्सन इन द प्रमोशन फॉर्मेशन बिजनेस या कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिंस इट इज फॉर्मेशन, द ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट दैट द सच पर्सन शैल अटेंड एंड बी एग्जामिन। हाँ, उन सभी पर्सन्स को पावर्स, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स हैं कि ऑर्डर करें पर्सन टू अटेंड करना, एग्जामिन करना, ट्रिब्यूनल क्या कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट करी है ट्रिब्यूनल को और स्टेट कराई है उसके ओपिनियन में फ्रॉड जो है कमिट किया गया था किसी पर्सन के द्वारा, प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कंपनी के फॉर्मेशन में किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड किया गया, वो कंपनी लिक्विडेटर ने ट्रिब्यूनल को बताया, तो ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट कर सकता है दैट सच पर्सन शैल अटेंड एंड बी एग्जामिन, वो पर्सन आए और अटेंड करे और एग्जामिन किया जाए, उसका एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, उसका एग्जामिन किया कर सकता है ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर इन एग्जामिनेशन, कंपनी लिक्विडेटर भी उस समय मौजूद रहेगा जब उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, सेंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, द पर्सन शैल बी एग्जामिन ऑन ओथ एंड शैल आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, और शपथ दिला के उसको एग्जामिन किया जाएगा, वो सभी क्वेश्चंस जो उससे पूछे जाएंगे ट्रिब्यूनल के द्वारा वो सभी उसको जवाब देने जरूरी है। राइट्स अवेलेबल टू पर्सन टू बी एग्जामिन, जो पर्सन एग्जामिनेशन जिनका हो रहा है उसके पास क्या क्या अधिकार है, बी फर्निश एट हिज ओन कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, वो फर्निश किया जाएगा एट हिज ओन कॉस्ट उसकी खुद की लागत पे विद अ कंपनी और विद अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, कॉपी ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की कॉपी के साथ साथ ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, मे एट हिज ओन कॉस्ट एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर एंटिटी टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, उसकी खुद की लागत पे वो एम्प्लॉय कर सकता है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार इसका एग्जामिनेशन अच्छे से करना है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर, जिसको भी लगे कि ये सवाल जवाब ये लोग उचित कर पाएंगे, ये प्रोफेशनल उचित कर पाएगा, तो उनको अपॉइंट कर सकता है उनकी खुद की लागत पे एंटिटी टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। सॉरी, ये अपनी खुद की लागत पे कौन पर्सन कर सकता है ना, कि यार मेरा जवाब देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं रखूंगा, कंपनी सेक्रेटरी रखूंगा, कॉस्ट अकाउंटेंट रखूंगा, लीगल प्रैक्टिशनर रखूंगा, ये जवाब देगा किसको, ट्रिब्यूनल को, ये एम्प्लॉय खुद की लागत पे वो पर्सन खुद रखेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, अपियरिंग ऑफ कंपनी लिक्विडेटर ऑन हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अप्लाइड बाय द पर्सन्स बीइंग फ्रीड फ्रॉम चार्जेस, ठीक है ना। अपियर करना ऑफ कंपनी लिक्विडेटर ऑन हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड बाय द पर्सन, इफ एनी पर्सन apply to the tribunal to be exculpated from the charges, made or suggested against him, the company liquidator to appear on the hearing of such applications of the tribunal to the any matters which appear to the company liquidator or to be relevant, ठीक है ना। अपियर करना ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर ऑन द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन जो कि अप्लाइड बाई द पर्सन बींग फ्रीड ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। कंपनी लिक्विडेटर की हियरिंग पे आना जरूरी है जब भी वो पर्सन का एग्जामिनेशन हो, इफ एनी सच पर्सन अप्लाइज टू द ट्रिब्यूनल टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चार्जेस मेड और सजेस्टेड अगेंस्ट हिम, द कंपनी लिक्विडेटर को अपियर करना पड़ेगा ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन और ट्रिब्यूनल टू एनी मैटर विच मे अपियर टू द कंपनी लिक्विडेटर टू बी रिलेवेंट, तो ट्रिब्यूनल उस कंपनी लिक्विडेटर को जब जब लगे वैसे बुला सकता है ऑन द मतलब ऑन द हियरिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, पर्सन जब कहेगा जब भी। रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन राइटिंग, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन लिखित में भी किया जा सकता है, एंड शैल बी ओपन टू इंस्ट्रक्शन,
जो भी लिखित होगा रिकॉर्ड्स का वो एग्जामिनेशन होगा और वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा. एडजर्नमेंट द ट्रिब्यूनल मे थिंक फिट्स एडजर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसका एग्जामिनेशन पर्सन का एग्जामिनेशन करना है उसका एडजर्नमेंट भी कर सकता है जैसा भी ट्रिब्यूनल को उचित लगता रहेगा वो एडजर्नमेंट कर सकता है ट्रिब्यूनल. ठीक है. एग्जामिनेशन कैन बी बिफोर एनी पर्सन या अथॉरिटी. एग्जामिनेशन जो है कोई भी पर्सन या अथॉरिटी के आगे हो सकता है. एग्जामिनेशन बी हेल्ड बिफोर एनी पर्सन या अथॉरिटी जो कि ऑथोराइज बाय द ट्रिब्यूनल. सेक्शन 301 में अब वो पर्सन को क्या करेंगे. अरेस्ट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया या एब्सकॉन. इस टाइप के जिसका अपन ने एग्जामिनेशन करा ये सब करा तो हमने 300 में कर लिया. परंतु कुछ लोग ऐसे भी शातिर रहते हैं कि वो सोच सकते हैं कि मैं भारत छोड़ दूँ या एब्सकॉन कर लूँ. तो पर्सन का क्या क्या किया जा सकता है सेक्शन 301 में बताया गया. एनी टाइम आइदर बिफोर और आफ्टर पासिंग एन वाइंडिंग अप ऑर्डर द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द कॉन्ट्रीब्यूटरी ये पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी अकाउंट्स या पेपर्स ऑफ द कंपनी इन हिज पोजीशन is about to leave India या abscond या is about to remove or conceal any of the property is about to conceal any of the property of avoiding examination inspecting the affairs of the company the tribunal may cause contributory to detain until such time as the tribunal may order and his books and papers and movable property to be seized and safely kept until such time as the tribunal may order. कुल मिला के पहली बात देखें 301 में अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों से बचने के लिए भारत छोड़ने की तैयारी कर रहा है ट्राइंग टू लीव इंडिया या एब्सकॉन्ड भागने की कोशिश कर रहा है मतलब इन चीज़ों से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या कर सकती है जो अक्सर होता ही है भारत में. अपन ने तो देखा है भैया वर्तमान में तो काफ़ी देख रहे होंगे कि आप जिन जिनका वाइंडिंग अप हो रहा है जिनके अगेंस्ट अरेस्ट होना चाहिए था वो भारत छोड़ रहे हैं एब्सकॉन्ड कर रहे हैं. एट एनी टाइम कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी अकाउंट्स या पेपर्स ऑफ द कंपनी इन हिज पोजीशन इज अबाउट टू लीव इंडिया एब्सकॉन्ड या इज अबाउट टू रिमूव कंसील एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कंसील करने की सोच रहा है या अवॉइडिंग एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिंग द फेस ऑफ द कंपनी. ट्रिब्यूनल जो है वो कर सकता है मे कॉज कॉन्ट्रीब्यूटरी को डिटेन करना उस समय तक एज द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर उस समय तक उसको डिटेन कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूटरी को तब तक जैसा कि ट्रिब्यूनल को लगे तब तक उसको डिटेन करके अपने पास डिटेन करके रख सकता है. ठीक है ना. उसके बुक्स एंड पेपर्स मोबाइल प्रॉपर्टी सीज कर सकता है सेफली केप्ट कर सकता है अनटिल सच टाइम एज द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर. उसकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी बुक्स एंड पेपर्स है ट्रिब्यूनल को लगे तो वो सीज कर सकता है वो भागे करे उससे पहले. ठीक है ना. पहले चार पॉइंट है इसके अंदर. इज अबाउट टू लीव इंडिया इसमें अपन देख लें कॉन्ट्रीब्यूटिव पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ एसेट अकाउंट ऑफ द कंपनी इसमें दो पॉइंट फिर दूसरे में चार पॉइंट है. इज अबाउट टू लीव इंडिया एब्सकॉन्ड या इज अबाउट टू रिमूव कंसील ऑर एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी. चौथा ऑफ एन अवॉइडिंग एनी एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एग्जामिनेशन अवॉइड करने की सोच रहा है ये चार पॉइंट. दूसरा फिर क्या होता है इसमें दो पॉइंट. ट्रिब्यूनल मे कॉज कॉन्ट्रीब्यूटिव डिटेन उसको डिटेन कर सकता है या फिर उसके बुक्स एंड पेपर्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर सकता है एंड सेफली केप्ट अंटिल द टाइम ट्रिब्यूनल में ऑर्डर जैसा भी ट्रिब्यूनल को लगे. ठीक है ना. ये सेक्शन 301 हुआ. सेक्शन 302 देख लेते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल. कंपनी का डिसोल्यूशन बाय ट्रिब्यूनल. डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वाइंडिंग अप वाउंड अप. जब तक कंपनी के सारे अफेयर्स वाउंड अप हो जाएंगे तो कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर डिसोल्यूशन. ठीक है ना. डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के द्वारा डिसोल्यूशन किया जाएगा. जब अफेयर्स ऑफ कंपनी वाउंड अप हो चुके हैं कंपनी के सारे काम धंधे बंद कर दिए हैं वाउंड अप हो चुके तो कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर डिसोल्यूशन. सारे काम धंधे पूरे तैयारी से वाउंड अप कर दिए हैं काम धंधे अब चल नहीं रहे बंद कर दिए हैं तो अब एप्लीकेशन देगा कि डिसोल्व कर दो इस कंपनी को. ठीक है ना. ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर और इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेज एंड दैट एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी शुड बी मेड. ठीक है ना. ट्रिब्यूनल शैल मेक एन ऑर्डर दैट द कंपनी बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर देना चाहिए ट्रिब्यूनल को शैल मेक एन ऑर्डर दैट द कंपनी जो है बी डिसॉल्व किया जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. ऑर्डर के डेट से कंपनी को डिसॉल्व करके आना चाहिए. तीसरा कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट देयर ऑफ फॉरवर्ड टू द कंपनी लिक्विडेटर टू द रजिस्ट्रार. ऑर्डर का जो कॉपी है विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ऑफ फॉरवर्ड किया जाएगा कंपनी लिक्विडेटर को टू द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड इन द रजिस्टर रिलेटिंग टू द कंपनी मिनट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. ऑर्डर काय का ट्रिब्यूनल डिसोल्यूशन करेगा कंपनी बाय रिजोल्यूशन. ठीक है ना. कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 30 डेज 30 दिन के अंतर्गत उसका ऑर्डर जो है विद इन 30 दिन के अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ फॉरवर्ड किया जाएगा बाय द कंपनी लिक्विडेटर टू द रजिस्ट्रार. कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड इन द रजिस्टर रिलेटिंग टू द कंपनी मिनट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. मिनट डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी के मिनट्स को रिकॉर्ड कर लेगा. ठीक है ना. इफ द कंपनी लिक्विडेटर मेक्स अ डिफॉल्ट इन फॉरवर्डिंग कॉपी ऑफ ऑर्डर. कंपनी लिक्विडेटर करो कंपनी लिक्विडेटर डिफॉल्ट करता है कॉपी ऑफ ऑर्डर को कॉपी ऑफ ऑर्डर को फॉरवर्ड करने में. ठीक है ना. कंपनी लिक्विडेटर शैल बी पनिशेबल विद फाइन एक्सटेंड टू 30,000 rupees फॉर एवरी डे. जब तक वो लेट होते जा रहा है उस दिनों तक 5,000 तक का जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से उसको लगता जाएगा. ठीक है.
इस प्रकार से इसमें बताया गया कि डिसोल्यूशन वो कंपनी किस प्रकार होगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर दे सकता है डिसॉल्व करने का, ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। चलो ठीक है, सेक्शन 303 जो कि लास्ट सेक्शन से आपका वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल के अंतर्गत का, ठीक है ना। अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, अपील कर दी गई ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल के ने उसके अगेंस्ट अपील कर दी गई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, एक्ट के अगेंस्ट जब एक्ट कमेंस हुआ था, ये कंपनी एक्ट 2013 उसके पहले कभी किसी ने अपील करी है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो एप्लीकेबल रहेगी। अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर शैल बी फाइल्ड बिफोर सच अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू हियर सच अपील बिफोर सच कमेंसमेंट, उस कमेंसमेंट के पहले एप्लीकेबल रहेगी। अब जो पार्ट टू ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप सेक्शन, ये जो है ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ओमिटेड है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला। चलिए पार्ट थ्री देखते हैं, प्रोविजन एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप, ये चलेंगे सेक्शन 324 से लेके, अपन ने देखा है ये वाइंडिंग अप चलने वाले हैं सेक्शन 324 से लेके आपके 358 तक, मतलब 324 से लेके 358 तक चलने वाले प्रोविजन एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप, कुल मिला के 35 सेक्शन तक ये बन गए, 33 सेक्शन देखेंगे अभी, 35 सेक्शन और देखेंगे। तो प्रोविजन एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप, डेप्थ ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन टू बी एडमिटेड टू प्रूफ, सभी डिस्क्रिप्शन जिस तरह की भी डेट्स है, जिस तरह की भी उधारी है, वो प्रूफ के साथ एडमिट की जानी चाहिए कंपनी के अंदर। वाइंडिंग अप के प्रोसीजर टाइम सभी डेट्स दिखाई जानी चाहिए, ठीक है ना। सेक्शन 325 ओमिटेड है, सेक्शन 3 अच्छी बात है, 326 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, और प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की बात की जाएगी, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स ओवरराइड की जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ कर दिए जा रहे हैं, जो कौन कौन से पेमेंट्स प्रेफरेंशियल रहेंगे, ठीक है ना, बता दिए जाएंगे सेक्शन 326 में, ये बताए गए हैं। डेप्स भी पेड इन प्रायोरिटी, कौन कौन सी डेप्स प्रायोरिटी में पे की जानी चाहिए, वर्कमैन ड्यूज, ठीक है ना, पहली प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, डेप्स भी पेड इन प्रायोरिटी, वर्कमैन ड्यूज, जो भी काम करने वाले हैं उनके अगेंस्ट जो ड्यूज पड़ी है वो पे करना, मतलब जिनकी भी सैलरी वगैरह है, ये सब चीज़ें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में पे की जानी चाहिए। डेप्स ड्यू टू सच सिक्योर क्रेडिटर्स, जो भी सिक्योर क्रेडिटर की तरफ डेप्स ड्यू पड़ी हैं वो सभी डेप्स ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर वो पे की जाएंगी परिपसु के हिसाब से, मतलब एज अ सेकेंड प्रायोरिटी, मतलब ठीक है। आगे देखते हैं सिक्योर क्रेडिटर के अगेंस्ट, पहले तो आपको वर्कमैन ड्यूज पे करना है, फिर सिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट करना है, ठीक है ना, ये डेप्स टू बी पेड इन प्रायोरिटीज, ये प्रेफरेंशियल पेमेंट्स बता दिया गया, ठीक है ना। अभी इसके बारे में इलस्ट्रेशंस भी दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं, खैर उसमें कोई तक खास तो नहीं दिखता। देख रहे सेक्शन 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट, सेक्शन 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स बताए गए हैं, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज़ का पेमेंट्स प्रेफरेंशियल माना जाता है, सभी रेवेन्यूज टैक्सेस सेसेस एंड रेट्स ड्यू टू द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एट द रिलेवेंट डेट ड्यू एंड पेबल विद इन 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट, सभी टैक्स वगैरह जो भी ड्यू पड़े हैं, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, उसके अगेंस्ट पड़े हुए हैं जो भी 12 महीने पिछले 12 महीने पिछले 12 महीने में ड्यू पड़े हैं, ये सभी पेमेंट रेवेन्यूज टैक्स सेसेस रेट्स, ये सभी पेमेंट पिछले 12 महीने में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या लोकल अथॉरिटी के, वो प्रेफरेंशियली पेमेंट किया जाना चाहिए। दूसरा कौन कौन से, तो एम्प्लॉयज पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, ए में तो मतलब गवर्नमेंट का पेमेंट बताया गया कि ये प्रेफरेंशियल पेमेंट है, बी में बताया गया है ऑल वेजेस और सैलरीज ऑफ एनी एम्प्लॉय नॉट एक्सेडिंग 4 मंथ्स विद इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द रिलेवेंट डेट, सभी वेजेस एंड सैलरी जितनी भी वेजेस एंड सैलरीज है एम्प्लॉय की वो एक्सीड नहीं करेगी 4 महीने से ज़्यादा विद इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द रिलेवेंट डेट, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स, 4 महीने से ज़्यादा नहीं हो रही है और 12 महीने से कम, 4 महीने से ज़्यादा नहीं और विद इन 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने के अंदर होनी चाहिए, पिछले 12 महीने के अंदर कोई से भी 4 महीने की या उससे ज़्यादा की नहीं, वो वेजेस एंड सैलरीज प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आएगी, जो कि वर्कमैन ड्यूज हमने देखा था, ठीक है ना। तीसरा हॉलीडे रिम्यूनरेशन, कोई सा भी हॉलीडे रिम्यूनरेशन एम्प्लॉई को दिया गया था वो। चौथा हम देखेंगे कौन सा, एक चार्ट में बताया गया है वो चार्ट भी अपन देख लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल टू एज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के तौर पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन देने थे, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर पेमेंट था या किसी भी तरीके तौर पे कोई सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट था एज एन एम्प्लॉयर। पांचवा जो है वो क्या है, अमाउंट्स ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के डेथ या डिसेबलमेंट में कोई भी अमाउंट जो है ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन में है, ठीक है ना। ऑल सम्स ड्यू टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड्स, जो भी अमाउंट या सम ड्यू है टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से ड्यू पड़ा है। एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एक्सपेंसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए किए गए हैं वो सभी प्रेफरेंशियल पेमेंट में आएंगे। कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी प्रेफरेंशियल पेमेंट में, गवर्नमेंट टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है ना, हॉलीडे रिम्यूनरेशन,
कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एज एन एम्प्लॉयर अंडर जैसे ESI एक्ट एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कंपनसेशन ऑन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ या डिसेबलमेंट. डेथ या डिसेबलमेंट होती है किसी की व्यक्ति की तो उसके आधार पर कोई कंपनसेशन देना हो एम्प्लॉयज़ को वो कंपनसेशन प्रेफरेंशियल है. PF पेंशन फंड ग्रेचुटी फंड ये सभी प्रेफरेंशियल जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा इन सभी के संदर्भ में वो सभी प्रेफरेंशियल पेमेंट है. एक्सपेंसेस कोई इन्वेस्टिगेशन पे कोई एक्सपेंस करना है वो सभी प्रेफरेंशियल पेमेंट में आएगा. ये हो गया अपना कुल मिला के. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है. फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस सेक्शन 328. फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस क्या होता है सेक्शन 328 में देखेंगे. फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस व्हेन एनी ट्रांजेक्शन मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. कौन कौन से ट्रांजेक्शन ट्रीट किए जा सकते हैं फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. कंपनी हैज गिवन प्रेफरेंस टू पर्सन्स हु इज वन ऑफ द क्रेडिटर. वन ऑफ द क्रेडिटर्स है कंपनी ये श्योरिटी या गारंटर ये फॉर एनी डेप्ट ऑफ द डेप्ट ठीक है ना. एंड द कंपनी डज एनी थिंग और सफर एनी थिंग डन इफेक्ट of putting that the person into position which will be better than the position. Tribunal may think fit for restoring the position not to given that preference. कुछ गलत तरीके से प्रेफरेंस दे दिया गया है किसी क्रेडिटर को किसी श्योरिटी को किसी गारंटर को फ्रॉडुलेंटली तो माना जाए कंपनी हैज गिवन प्रेफरेंस टू पर्सन हु इज क्रेडिटर वन ऑफ द क्रेडिटर किसी एक क्रेडिटर को या किसी एक श्योरिटी को अश्योरिटी और अ गारंटर ऑफ एनी डेप्ट कोई भी डेप्ट की उधारी के गारंटर को. एंड द कंपनी डज एनी थिंग या सफर एनी थिंग डन. कंपनी कुछ ऐसे काम करती है सफर करती है ऐसी चीज इफेक्ट ऑफ पुटिंग दैट पर्सन इनटू अ पोजीशन उस पर्सन को उस पोजीशन में रख के विच विल बी बेटर देन द पोजीशन जो कि पहले पोजीशन उसकी थी पिछले जो पोजीशन थी उससे बेटर पोजीशन में उसको ला के रख दिया और उसको एज अ प्रेफरेंशियल पेमेंट करना की स्थिति में रख दिया हो या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बना दिया उसको अपन ने ऐसा कंपनी ने करा हो तो ट्रिब्यूनल मे थिंक फिट फॉर रिस्टोरिंग द पोजीशन नॉट टू बी गिवन प्रेफरेंस. ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे तो वो उसकी पोजीशन रिस्टोर कर सकता है और उसको प्रेफरेंस नहीं दे सकता है. दूसरा ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है ना. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट एग्जीक्यूशन मेड ठीक है ना विद इन सिक्स मंथ्स बिफोर द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर एज सच ट्रांजेक्शन इनवैलिड एंड रिस्टोर द पोजिशन. ट्रिब्यूनल को लगता है कोई प्रेफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की गई है कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रेफरेंशियल किया गया कोई पेमेंट किया गया या एग्जीक्यूशन मेड किया गया पिछले सिक्स महीने छः महीनों के अंदर बिफोर मेकिंग द वाउंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है एज सच ट्रांजेक्शन इनवैलिड उन ट्रांजेक्शन को इनवैलिड या रिस्टोर कर सकता है उन सभी पोजिशन को. ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ जो ट्रांसफर जो है गुड फेथ में नहीं है वो टू बी वॉइड वॉइड माना जाएगा सेक्शन 329 में. ट्रांसफर्स जो कि गुड फेथ में नहीं है वो वॉइड माना जाएगा. ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ टू बी वॉइड गुड फेथ में ट्रांसफर नहीं है सेक्शन 329 में बताया विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर. जो गुड फेथ में ट्रांसफर नहीं है विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप सच ट्रांसफर शैल बी वॉइड वाइड मतलब पिछले एक साल के अंदर कोई सा भी ट्रांसफर जो गुड फेथ में नहीं था सही मायने में नहीं किया जाना चाहिए था जो कि वॉइड था वो करा गया है तो वो वॉइड माना जाएगा आपके पिछले पिटीशन वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करने के एक साल के अंदर पिछले एक साल में ठीक है ना. सेक्शन 330 सर्टेन ट्रांसफर टू बी वॉइड ऑल इट्स प्रॉपर्टीज और असेट्स टू द ट्रस्टीज शैल बी वॉइड. कुछ ट्रांसफर वॉइड माने जाएंगे जैसे कि सभी प्रॉपर्टीज या असेट्स टू द ट्रस्टीज शैल बी वॉइड. लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉडुलेंटली प्रेफर्ड सेक्शन 331. कोई सी भी लाइबिलिटी या राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन जो कि जिनको फ्रॉडुलेंटली प्रेफर किया गया है तो वो वॉइड मानी जाती है ठीक है ना. वो सेक्शन 331 में बताया गया है ठीक है ना. एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल दे सकता है उसमें हाँ पेमेंट के लिए एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दिया सकती है यार ये फ्रॉडुलेंटली प्रेफर किया गया था तो इसका पेमेंट करवा के नखी कराओ ठीक है ना. इफेक्ट्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज का इफेक्ट क्या होता है 332 ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है. फ्लोटिंग चार्ज ऑन अंडरटेकिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी क्रिएटेड विद इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप के कमेंस होने के पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में अगर फ्लोटिंग चार्ज किसी प्रॉपर्टी भी असेट्स पे क्रिएट किया गया है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा वो इनवैलिड रहेगा. पिछले 12 महीने में उसका मतलब उसका किया गया था फ्लोटिंग चार्ज उस पर क्रिएट किया गया था किसी प्रॉपर्टी पे असेट्स पे वाइंडिंग अप के पिछले 12 महीने तो वो इनवैलिड माना जाएगा ठीक है ना. विल बी इनवैलिड ऑन द वाइंडिंग अप विल बी इनवैलिड ठीक है ना. कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर द चार्ज टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 5% ठीक है ना. कंपनी कंसिडरेशन फॉर द चार्ज टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% तक तो ठीक है. उसके बाद में डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी 333 ठीक है ना. लॉस मेकिंग कोई प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्लेमर देना जरूरी है. कंपनी लिक्विडेटर को ऐसी कोई प्रॉपर्टी कंपनी के पास पड़ी है जिसमें कि लॉस हो रहा हो लॉस इनकर कर रही हो वो प्रॉपर्टी लॉस करवाती रहती हो ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्क्लेमर देना कंपनी लिक्विडेटर को जरूरी है. विद इन 12 मंथ्स ऑफ वाइंडिंग अप प्रीसीडिंग मतलब कमेंसमेंट और वाइंडिंग अप कमेंसमेंट के पिछले 12 महीने के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है पिछले 12 महीने से ठीक है ना. एट एनी टाइम विद इन 12 मंथ्स आफ्टर ही बिकम्स अवेयर देयर ऑफ और
एट एनी टाइम विद इन 12 months कमिसमेंट के 12 महीने के अंतर्गत, एट एनी टाइम आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप उसके 12 महीने के अंतर्गत कभी भी उसके बारे में अवेयर होता है तभी उसको उसका डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नोटिस टू बी गिवन टू द इंटरेस्टेड पर्सन, ट्रिब्यूनल जो है नोटिस दे सकता है टू द इंटरेस्टेड पर्सन, जो जो इंटरेस्टेड पर्सन दिखते हैं उन सभी को नोटिस भी दे सकता है। एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग टू डिस्क्लेम एंड नॉट टू डिस्क्लेम, लिक्विडेटर शैल नॉट बी इंटेंडेड टू डिस्क्लेम एनी प्रॉपर्टी यू नो इन केस विदिन पीरियड ऑफ 28 days, ठीक है ना। एप्लीकेशन मेड किया सकती है लिखित में टू डिस्क्लेम एंड नॉट टू डिस्क्लेम, डिस्क्लेम करने के लिए, क्लेम न करने के लिए या फिर क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है लिखित में। लिक्विडेटर शैल नॉट बी एंटाइटल टू डिस्क्लेम एनी प्रॉपर्टी, लिक्विडेटर एंटाइटल नहीं कि वो डिस्क्लेम करे कोई प्रॉपर्टी किसी भी केस में, ठीक है ना। इन केस विद इन पीरियड ऑफ 28 days डिस्क्लेम करने के लिए कोई, हाँ 28 दिन के अंदर, स्टिल विल बी नॉर्मल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, हाँ जो भी रहेंगे वो नॉर्मल क्रेडिटर रहेंगे, अनसिक्योर्ड रहेंगे पर नॉर्मल क्रेडिटर तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है ना, विद इन 12 months, ठीक है। ये मेड देने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी ओनरस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, एप्लीकेशन ऑफ पर्सन हु इज एंटाइटल टू बेनिफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेड इन द कंपनी, तो उसको अपन सिक्योर्ड से हटा के अनसिक्योर्ड कर देंगे परंतु फिर भी वो एक नॉर्मल क्रेडिटर रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफर्स एक्सेट्रा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू बी वॉइड, सेक्शन 334 में बताया गया ट्रांसफर्स एक्सेट्रा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप जो है वॉइड माने जाएंगे, ट्रांसफर्स जो भी किए गए हैं सोल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई चीज़ें बेची हैं वो सभी ट्रांसफर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट के बाद वॉइड माने जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ ट्रांसफर्स ऐसे रहते हैं जो यार वैलिड नहीं थे, तो वो 334 में बताएं कि यार ये सभी एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडिंग जो भी ट्रिब्यूनल को सही लगे कि यार ये सब ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं थे तो वो वाइड मान लिए जाएंगे, मेड आफ्टर द कमिशनमेंट ऑफ वाइंडिंग अप शैल अनलेस ट्रिब्यूनल अदरवाइज ऑर्डर, वो वाइड माने जाएंगे। जब तक ट्रिब्यूनल उसको वेरीफाई नहीं कर देगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं कर देगा कि यार ये ट्रांसफर सही है, तब तक वो वाइड माने जाते हैं, ठीक है ना। सर्टेन एडजस्टमेंट्स जिससे भी ट्रिब्यूनल को लगे कि यार ये ट्रांसफर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हुआ है, वाइंडिंग अप कमेंस करने के बाद कंपनी ने कुछ एसेट्स बेची हैं, ये करी हैं, ये वाइड जब तक उसका ऑर्डर ट्रिब्यूनल से नहीं लिया गया हो। और सेक्शन 335 देखते हैं, सर्टेन अटैचमेंट्स एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा इन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल टू बी वाइड, कुछ अटैचमेंट्स एग्जीक्यूशन और वाइंडिंग अप में वो वाइड माने जाएंगे। वेयर एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अटैचमेंट डिस्ट्रेस या एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द स्टेट और इफेक्ट्स एनी सेल हेल्ड विदाउट लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज शैल बी वॉइड, जहाँ भी कंपनी वाउंड अप होगी ट्रिब्यूनल के द्वारा कुछ भी अटैचमेंट उसका डिस्ट्रेस या एग्जीक्यूशन या अगेंस्ट द स्टेट और इफेक्ट में कोई भी सेल हेल्ड की गई है या फिर विदाउट लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ एनी प्रॉपर्टीज वो वॉइड मानी जाएगी। नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, फॉर द रिकवरी ऑफ एनी टैक्स ड्यूज एनी ड्यूज पेबल टू द गवर्नमेंट, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा टू द प्रोसीडिंग्स रिकवरी के लिए कोई भी टैक्स या ड्यूज के लिए, एनी ड्यूज जो कि पेबल है टू द गवर्नमेंट, कोई भी ड्यूज जो कि पेबल है टू द गवर्नमेंट, नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ एनी टैक्स या ड्यूज, ठीक है, ये टैक्स ड्यूज जो है इसके संदर्भ में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। या एग्जीक्यूशन या अटैचमेंट जो हुए टैक्स या ड्यूज के अगेंस्ट में किया गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। 335 उसके अंदर वो वाइड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अपन देखते 336 ऑफेंसेस बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज इन लिक्विडेशन, ठीक है ना। ऑफिसर्स जो कि कमिट किया जा रहा है ऑफिसर्स के द्वारा, कौन कौन से ऑफिसर्स जिस प्रकार के अगर लिक्विडेशन में किए जा रहे हैं ऑफिसर्स के द्वारा, ऑफिसर्स बाय ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज इन लिक्विडेशन, चलिए देखते 336 में बताया गया है। नो डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया असेट्स का। नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं है। नो डिलीवर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, नो डिलीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मटेरियल ओमिशंस किए गए हैं, प्रिवेंट्स किए गए प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक्स एंड पेपर्स, ये डिस्प्ले किए गए हैं। फिक्टिशियस लॉसेस या एक्सपेंसेस या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ऑफिसर्स ने, कंपनी के ऑफिसर्स ने ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं अगर, तो 336 में लिक्विडेशन में तो ऑफेंसेस कमिटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज, अगर इस प्रकार के ऑफिसर्स कमेंट्स किए गए तो वो क्या क्या के लिए लायबल रहेंगे वो नीचे बता देंगे। पर कौन कौन से ऑफिसर्स, उन्होंने असेट्स डिस्क्लोज नहीं करी ऑफिसर्स ने, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी कंपनी की उनको लिक्विडेटर को, उन्होंने डिलीवर नहीं करे बुक्स एंड पेपर्स नहीं दिए या इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, मटेरियल ओमिशंस कर दिए हैं या फिर कोई प्रिवेंट किए प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक्स एंड पेपर्स, डिस्प्ले करे हैं फिक्टिशियस लॉसेस या एक्सपेंसेस, कोई फिक्टिशियस लॉस की एक्सपेंसेस डिस्प्ले कर दिए हैं, कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो वो सभी ऑफेंसेस जो कमिट किए गए ऑफिसर्स के द्वारा वो लायबल रहेंगे कुछ पेनल्टीज के लिए, वो पेनल्टीज हम देखते हैं नीचे। चलिए वो सभी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये सभी कमिटमेंट्स जो भी किए गए हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये लॉसेस वगैरह, फिक्टिशियस लॉस दिखाए गए हैं, ये सभी कर अगर ऑफिसर ने काम करें इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट मतलब ऑमिशंस करे हैं, मतलब गलत तरह के ऑफेंसेस करे हैं, तो वो पनिशेबल रहेंगे विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years विच मे एक्सटेंड टू 5 years विद फाइन ऑफ 1 lakh rupees to 3 lakh rupees, यानी कि
अगर इस प्रकार के ऑफेंसेस किसने करे हैं, ऑफिसर्स ने करे हैं कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम, तो फिर वो पनिशेबल रहेंगे कारावास के लिए। कृष्ण जन्मभूमि में उनको रखा जा सकता है 3 साल से लेकर 5 साल तक, यानी कि 3 साल से 5 साल तक का कारावास। दूसरा, उनके ऊपर जुर्माना 1 लाख से 3 लाख तक का, तो 1 से 3 लाख का तक का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की जेल उनको हो सकती है। ऑफिसर्स उनको जिनने ऑफेंस किए हैं इस प्रकार से, कौन कौन से ऑफेंस एक बार और पढ़ लें अपन, नाम ले लेते फटाफट फटाफट। नो डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, असेट्स डिस्क्लोज नहीं करी, डिलीवर नहीं करी है प्रॉपर्टी, बुक्स एंड पेपर डिलीवर नहीं करे हैं और इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करी है, ये 4 तरह की चीज़ें नहीं करी है। कौन कौन सी? असेट्स डिस्क्लोज नहीं करी है और 3 डिलीवरी नहीं करी, यानी कि प्रॉपर्टी, बुक्स एंड पेपर्स और इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करी। चौथा, पाँचवा, मटेरियल ओमिशंस किए हैं, कुछ ओमिशंस गायब कर दी मतलब, और बुक्स एंड पेपर्स में प्रोडक्ट, बुक्स एंड पेपर बनाने में कुछ गड़बड़ी करी है, फ्री ऑफ डिस्प्ले करें, फिक्टिशियस लॉस या एक्सपेंसेस, गलत लॉस या एक्सपेंसेस दिखाए हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, वो सभी ऑफेंस करने पर वो ऑफिसर्स लायबल रहेगा ऑफेंस के लिए कितना, 1-3 साल से 5 साल तक का उसको कारावास हो सकता है और 1 लाख से 3 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख से 3 लाख तक की जेल, ठीक है ना, सॉरी फाइन हो सकता है, सॉरी जेल, जेल के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेनल्टी फॉर फ्रॉड्स बाय द ऑफिसर्स, सेक्शन 337, पेनल्टी फॉर फ्रॉड्स बाय द ऑफिसर्स। कोई भी पेनल्टी की गई है फॉर फ्रॉड्स बाय द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के द्वारा कोई पेनल्टी लगाई गई है फ्रॉड्स के लिए, हैज बाय फॉल्स प्रिटेंशंस और बाय मींस ऑफ एनी फ्रॉड इंड्यूस्ड बाय एनी पर्सन टू द गिव क्रेडिट टू द कंपनी, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई, कोई भी फॉल्स प्रिटेंशंस या कोई भी फ्रॉड किए गए इंड्यूस्ड बाय एनी पर्सन टू गिव क्रेडिट, उनको क्रेडिट देने के लिए, विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी या एनी पर्सन, या हैज बीन कॉज्ड टू बी मेड एनी गिफ्ट या ट्रांसफर ऑफ और चार्ज ऑन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, हैज कंसील्ड और रिमूव्ड एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई है, वो पनिशेबल रहेंगे विद इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड विद फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज, 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना और 1 साल से 3 साल तक की जेल हो सकती है उन सभी जनों पे जिनने फ्रॉड किए हैं ऑफिसर्स, अगर इस प्रकार की ऑफिसर्स ने फ्रॉड किए हैं, कोई फॉल्स प्रेजेंटेशन प्रिटेंशंस दिखाए हैं कि यार ये पर्सन के द्वारा उनको क्रेडिट देना, जिनको गिफ्ट देना किसी को भी कॉज बाय मेड ऑफ गिफ्ट और ट्रांसफर, जो कि चार्ज उस तरीके की प्रॉपर्टी पे या फिर किसी भी तरीके का, जैसे कि ट्रांसफर इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी अपनी असेट्स जो है डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, हैज कंसील और रिमूव एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को किसी डायरेक्टर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, इस प्रकार का कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश करी है, तो उन सबको 1 लाख 1 साल से 3 साल तक का जेल और 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना, 1-3, 1-3 मतलब 1 से 3, 1 से 3, ठीक है ना, ये दोनों रहेगा, जुर्माना और जेल दोनों। अब सेक्शन 338 में देखिए, लायबिलिटी वेयर प्रॉपर अकाउंट्स नॉट केप, जहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स नहीं रखे गए, वेयर कंपनी इज बीइंग वाउंड, कंपनी वाउंड अप की गई और प्रॉपर अकाउंट्स नहीं रखे गए, प्रॉपर अकाउंट्स नॉट केप, वेयर कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं रखे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर नॉट केप्ट बाय द कंपनी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इमीजिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कमेंस होने के पिछले 2 साल तक उन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है पिछले 2 साल तक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे नहीं गए हैं, 2 साल तक याद रखना है ना, पीरियड बिटवीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर इनकॉर्पोरेशन और वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट, मतलब वाइंडिंग अप का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से लेके कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के पीरियड के बीच में प्रॉपर अकाउंट्स नहीं रखे गए हैं, ऐसा हुआ है या पिछले 2 साल तक नहीं रखे गए हैं, तो विच एवर इज शॉर्टर, जो भी कम अवधि हो, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल अनलेस ही शोज दैट ही बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर to 3 ईयर एंड वी फाइन विद 1 लाख to 3 लाख रुपीज, ठीक है ना, अगर ऐसा पाया जाता है कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले 2 साल तक नहीं रखे, वाइंडिंग अप कमेंस होने के पिछले 2 साल तक उसने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं रखे हैं, और या फिर उसने इनकॉर्पोरेशन से कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे, दोनों में से जो कम पीरियड है, अगर उसमें पाया था कि उसने डिफॉल्ट किया गया, तो जो भी पर्सन और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पनिशेबल रहेगा 1 साल से 3 साल तक की जेल के लिए, 1 लाख से 2-3 लाख तक का जुर्माने के लिए, ठीक है ना। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज नॉट बीन केप्ट, तो इफ सच बुक्स अकाउंट नॉट बीन केप्ट, ठीक है ना, इट इज नेसेसरी टू एग्जीबिट एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना, ये नेसेसरी एग्जीबिट करना और एक्सप्लेन करना ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी हैज इन्वॉल्व इन डीलिंग्स इन गुड्स, वेयर द बिजनेस ऑफ कंपनी जो है इन्वॉल्व है डीलिंग इन द गुड्स, ठीक है ना। सेक्शन 339, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी क्या रहेगी फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। इफ इन द कोर्स ऑफ द वाइंडिंग अप it appears that any business of the company has been carried on with the intent to defraud creditors of the company or any other persons and for any fraudulent purpose के लिए, ठीक है ना। If in the course of winding up के समय
इट अपीयर्स दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का बिजनेस जो है हैज बीन कैरीड ऑन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को डिफ्रॉड करने के लिए ये कोई दूसरे पर्सन या फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए तो होगा अगर ऐसा तो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए लायबल रहेगा। विद द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट अपीयर्स दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरीड ऑन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी या एनी पर्सन या फिर फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, ठीक है ना। सेक्शन 339 में आ जाएगा। और सेक्शन 340 में देखते हैं पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू असेस डैमेजेस अगेंस्ट द डिलिंक्विड डायरेक्टर्स। डिलिंक्विड डायरेक्टर्स मतलब क्या, डिफॉल्टिंग, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू असेस डैमेजेस अगेंस्ट द डिलिंक्विड डायरेक्टर्स सेक्शन 340। देखते हैं क्या हुआ है डेलिंक्विड डायरेक्टर्स। पहले तो हम सबसे पहले देख रहे थे एप्लीकेशन को कौन सकता है। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल असेस डैमेजेस अगेंस्ट द डेलिंक्विड डायरेक्टर्स, डेलिंक्विड मतलब जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स मतलब कहते हैं अपन। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल कैसे उनके डैमेजेस असेस कर सकता है, ठीक है ना, अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। तो एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है ट्रिब्यूनल को, पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर कर सकता है, कंपनी लिक्विडेटर कर सकता है, कोई क्रेडिटर कर सकता है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर ही कर सकता है, ठीक है ना। कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 340 के अंतर्गत, चार जने, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटरी, ओ सी सी सी, ओ फिर तीन बार सी, ये चार जने, ये चार पॉइंट ओ सी 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 एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को टू असेस करने के लिए डैमेजेस अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर, डेलिंक्विंट डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ओ सी सी मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटरी। एप्लीकेशन कैसे देना है, पाँच साल के भीतर भीतर, विद इन फाइव ईयर्स किसको देनी है, ये पहला पॉइंट देख लिया अपन ने, फर्स्ट पॉइंट से एप्लीकेशन देंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे विद इन फाइव ईयर्स टाइम पीरियड मेकिंग, फाइव ईयर्स कैसे, फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द माइनिंग अप ऑर्डर, या फाइव ईयर फ्रॉम द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, या फाइव ईयर फ्रॉम द मिस एप्लीकेशन, या मिस फीजेंस यानी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें से तीनों में से जो अवधि लंबी हो, फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर के फाइव ईयर से, या फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर, या फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर से पाँच साल तक, या मिस एप्लीकेशन करने के पाँच साल तक। ऐसा लगता है कि डिलिंक्विड डायरेक्टर्स का डैमेजेस असेस करना है तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, पाँच साल के अंदर का, विद इन फाइव ईयर्स। काय के लिए, कब, अगर ऐसा लगता है इट अपीयर्स दैट एनी पर्सन has misapplied any property of the company, misapplied करिए property of company को, कहीं गलत जगह apply कर दिया है, ये has guilty of any misfeasance, कुछ काम न करने के संदर्भ में, जो ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर बोल रहा है उसके संदर्भ में कोई काम न करने के अंदर गिल्टी माना जाता है, तो वो सेक्शन 340 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल उसमें क्या कर सकता है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठा सकता है, इंक्वायरी टू ऑर्डर हिम टू रीपे एंड रीस्टोर द मनी प्रॉपर्टी। वो रिक्वायर कर सकता है कि रीपे करो और रजिस्टर करो जिससे पहली पोजीशन थी, या बाय वे ऑफ कंपनसेशन पैसा दे दो आगे नक्की करो, ऐसा ये चौथा पॉइंट, ठीक है ना। कुल मिला के पहले पॉइंट मतलब ये चार्ट में पहले दूसरा वाला पहला चार्ट जो है तीसरा पॉइंट मान लीजिए, दूसरा वाले चार्ट को पहला पॉइंट और आखिरी वाले को तीसरा दूसरा और यारा चौथा चार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। और देखते हैं अपन सेक्शन 341 लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 339 एंड 340 टू एक्सटेंड टू पार्टनर्स या डायरेक्टर्स इन फर्म्स और कंपनीज। लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 339 और 340 एक्सटेंड करेंगे टू पार्टनर्स या डायरेक्टर्स इन फर्म या कंपनीज में। 339 या 340 में जो भी लाइबिलिटी बताई गई है वो एक्सटेंड करेंगे पार्टनर्स या डायरेक्टर्स को फर्म्स में या कंपनीज में, 340 में नहीं बताया गया। 342 में देख लेते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ डेलिंक्विड डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। प्रोसिक्यूशन क्या होंगे, प्रोसिक्यूशन डेलिंक्विड डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन क्या क्या लगाए जाएंगे। ट्रिब्यूनल टू डायरेक्ट द लिक्विडेटर टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर, मुकदमा चला सकते हैं, किसके अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल टू डायरेक्ट द लिक्विडेटर टू प्रोसिक्यूट करना, ठीक है ना, ऑफेंडर प्रोसिक्यूट करना ऑफेंडर, ठीक है। और टू रिफर द मैटर टू द रजिस्ट्रार, या रिफर कर सकते हैं मैटर टू द रजिस्ट्रार, और रिफर द मैटर टू द रजिस्ट्रार, ठीक है ना। सेक्शन 343 देख लेते हैं, कंपनी लिक्विडेटर एक्सरसाइज सर्टेन पावर सब्जेक्ट टू सैंक्शन। कंपनी लिक्विडेटर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं सर्टेन पावर जो सब्जेक्ट टू सैंक्शन है। कंपनी लिक्विडेटर टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर सब्जेक्ट टू सैंक्शन पे एनी क्लास या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इन फुल। ऑर्डर जो पास किया है कंपनी लिक्विडेटर का विद द सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के सैंक्शन के बाद, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेने के बाद कंपनी लिक्विडेटर कर सकता है पे कर सकता है एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर इन फुल। वो खुद के पावर्स कंपनी लिक्विडेटर के पास आ जाएंगे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के पास कि भैया वो किसी प्रकार के क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट कर सकता है उसकी इच्छा के अनुसार, मेक एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स, या फिर कॉम्प्रोमाइज यानी कॉल या लाइबिलिटी टू कॉल डेप्ट या लाइबिलिटी कैपेबल ऑफ रिजल्टिंग इन डेप्ट। कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कॉल लाइबिलिटी टू कॉल डेप्ट या लाइबिलिटी कैपेबल ऑफ रिजल्टिंग इन डेप्ट, ठीक है ना।
central government to make rules to regulate the powers of the company liquidator in case of the winding up by the tribunal. Central government rules bana sakta hai regulate karne ke liye powers of company liquidator in case of winding up by the tribunal. Company ke winding up of tribunal ke case ke dauran. Theek hai, central government rules aur regulate karta hai company liquidator ko. Theek hai, ye 343 hua. सेक्शन 344 में था स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज इन लिक्विडेशन. स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज इन लिक्विडेशन, ये कंपनी लिक्विडेशन में ही स्टेटमेंट देना जरूरी है. हाँ, किसको? ट्रिब्यूनल को. हाँ ठीक है ना, ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा. सेक्शन 345 बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी टू बी एविडेंस. बुक्स एंड पेपर्स जो है कंपनी टू बी एविडेंस, ये बुक्स एंड पेपर्स जो कि कंपनी के एविडेंस रहेंगे. बुक्स एंड पेपर्स टू बी कंपनी टू बी एविडेंस. बुक्स एंड पेपर्स शैल बी प्राइमरी फेस एविडेंस ऑफ ट्रुथ. बुक्स एंड पेपर्स जो कंपनी लिक्विडेटर कॉन्ट्रीब्यूटरीज के बीच में, सभी कंपनी के बीच में, कंपनी लिक्विडेटर और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये तीनों के बीच में जो एक प्राइमा फेसी एविडेंस रहेगा. बुक्स एंड पेपर्स शैल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ट्रूथ, सेक्शन 345 में बताया है. सेक्शन 346 में इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वो सभी बुक्स एंड पेपर्स का इंस्पेक्शन क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी कर सकते हैं कंपनी के. ठीक है, ये 346 में बताया है. बहुत जल्दी जल्दी इनको निपटा देते, कोई खास चीज नहीं. सेक्शन 347 डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी. अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वाइंड अप. कंपनी के अफेयर्स जो है कंप्लीटली वाउंड अप हो गए. इट इज अबाउट टू डिसॉल्व. कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे वो वाउंड अप हो चुके हैं और वो अबाउट टू डिसॉल्व है. कंपनी लिक्विडेटर मे बी डिस्पोज ऑफ इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट. ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल डिवॉल्व ऑन द कंपनी, कंपनी लिक्विडेटर या पर्सन टू होम द कस्टडी ऑफ बुक्स एंड पेपर्स हैज बीन इंटरेस्टेड. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, 5 साल की एक्सपायरी के बाद, फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिवॉल्व करेगी ऑन द कंपनी, कंपनी लिक्विडेटर और पर्सन टू होम द कस्टडी ऑफ बुक्स एंड पेपर हैज बीन इंटरेस्टेड. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं आएगी. डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर द कंपनी हैज बीन कंप्लीटली, कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं, वो कंपनी डिसॉल्व होने के करीब है, वो अबाउट डिसॉल्व कर रहे हैं कंपनी लिक्विडेटर. तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 साल के अंतर्गत, एक्सपायरी ऑफ 5 years में डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डिसॉल्व हो जाने के 5 साल बाद के बाद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कंपनी की रहेगी, ना कंपनी लिक्विडेटर की या कोई पर्सन की जिसके कस्टडी में बुक्स एंड पेपर्स रखे हुए थे. 5 साल खत्म हो जाने के बाद लिक्विडेशन के, किसी डिसोल्यूशन के, कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी और कंपनी के पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं है. मजे कर सकते हैं मतलब, है ना, वो फिर निश्चिंत है उस संदर्भ में, लिक्विडेशन या वाइंडिंग का प्रोसीजर के संदर्भ में. ठीक है, सेक्शन 348 इंफॉर्मेशन एज टू पेंडिंग लिक्विडेशन, ये एक चार्ट है नीचे उसके संदर्भ से आसानी से समझा जा सकता है. चलिए, इसमें बताया गया था क्या, इंफॉर्मेशन एज टू पेंडिंग लिक्विडेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग लिक्विडेशन में है, इन्फॉर्मेशन एज टू पेंडिंग लिक्विडेशन. ठीक है ना, वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 294 अप्लाई, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी नॉट कंक्लूडेड विद इन 1 year, वाइंडिंग अप कंपनी जो है 1 साल में कंप्लीट नहीं हुई है, विद इन 2 months ऑफ देयर आफ्टर अंटिल द वाइंडिंग अप इज कंक्लूडेड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 1 year और एट सच शॉर्टर इंटरवल, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल अ स्टेटमेंट इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय अ पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. वाइंडिंग अप कंक्लूड नहीं हुआ 1 साल के अंतर्गत या विद इन 2 महीने ऑफ द फिर देयर आफ्टर अंटिल द वाइंडिंग अप कंक्लूडेड एट द इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 1 year और सच एट शॉर्टर इंटरवल्स. ठीक है ना, कंक्लूड नहीं होता है 1 साल के अंतर्गत या थेरेफ्टर अंटिल द वाइंडिंग अप इज कंक्लूडेड विद इन 2 months. ठीक है ना, तो क्या होगा, मतलब पेंडिंग लिक्विडेशन जो है वो सभी चलती रहेगी एट द इंटरवल्स मोर देन 1 year आर्ट्स अ शॉर्टर इंटरवल, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल अ स्टेटमेंट इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय अ पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो है फाइल क्या करता है रजिस्ट्रार को, स्टेटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप जो है फाइल करेगा ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार को. कॉपी ऑफ स्टेटमेंट का वाइंडिंग अप का स्टेटमेंट निकला है वो फाइल करेगा ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार को. ठीक है, वेयर द कंपनी इज इन लिक्विडेशन इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ कंपनी जो लिक्विडेशन में है अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ये फाइलिंग जो है स्टेटमेंट का गवर्नमेंट कंपनी का लिक्विडेशन का स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट लिक्विडेशन स्टेटमेंट गवर्नमेंट कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी की मेंबर हो तो या स्टेट गवर्नमेंट अगर वो स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी की मेंबर हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया जाएगा अगर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसकी मेंबर हो तो. ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 349 देखेंगे. ऑफिशियल लिक्विडेटर टू मेक पेमेंट्स इनटू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ऑफिशियल लिक्विडेटर यानी कि जो अपॉइंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है ना, ऑफिशियल लिक्विडेटर हमने समझा था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन अपॉइंट कर रहा है, ट्रिब्यूनल. तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है टू मेक पेमेंट्स इनटू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में पेमेंट करेगा जो भी उसका पेमेंट उसके संदर्भ में बचा है. ठीक है ना, कंपनी लिक्विडेटर टू डिपॉजिट मनी इनटू शेड्यूल बैंक
ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कि ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया था, कंपनी लिक्विडेटर जो कि अपॉइंट किया था कंपनी एक्ट के द्वारा, ठीक है समझ में आ रहा है। कंपनी लिक्विडेटर को डिपॉजिट करना मनी इनटू शेड्यूल बैंक, एक शेड्यूल बैंक के अंदर सेक्शन 343 के अंतर्गत उसको डिपॉजिट करना रहेगा। रिटेंशन ऑफ अमाउंट आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट सो रिटेन, जो भी अमाउंट पड़ा है उस पेमेंट, ठीक है ना, पेमेंट करना है, पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट जो कि रिटेन किया गया है इन एक्सेस, ठीक है। कंपनी लिक्विडेटर डिपॉजिट मनी इनटू शेड्यूल बैंक, द रिटेंशन ऑफ द अमाउंट आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, पे इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट सो रिटेन इन एक्सेस, जो पैसा ज़्यादातर रखा गया था, जरूरत से ज़्यादा रख लिया, मतलब 10 दिन से ज़्यादा रख लिया आपने, जब तक रिटेंशन थी उससे 10 दिन से ज़्यादा आपने रख लिया तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा आपको, इसको कंपनी लिक्विडेटर को बी लायबल टू पे एनी एक्सपेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, और कोई एक्सपेंस जो उस पर किया गया है तो वो भी खर्चा उसको भुगतान करना है। एंड आल्सो लायबल टू हैव ऑल ए सच पार्ट ऑफ हिज रिम्यूनरेशन एज द ट्रिब्यूनल मे कंसीडर जस्ट एंड प्रॉपर डिसअलाउड और मे बी ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और मे बी भी रिमूव किया सकता है उसके ऑफिस से, ठीक है ना। चलिए सेक्शन 351 देखते हैं। सेक्शन 351 लिक्विडेटर नॉट बी डिपॉजिट मनी इनटू प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट, लिक्विडेटर को है ना शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखो, हाँ ये पब्लिक अकाउंट में रखो, परंतु खुद के प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसा मत रखो भैया। लिक्विडेटर जी नॉट टू डिपॉजिट मनीज इनटू प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट, सेक्शन 351 में बताया गया है, ठीक है, खुद के प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट में मत रखना पैसा भूल के भी। सेक्शन 352 कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट, मनी इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर के पास जो पैसा पड़ा है, वेयर एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप द लिक्विडेटर हैज इन हिज हैंड्स और इन हिज कंट्रोल एनी मनी रिप्रेजेंटिंग डिविडेंड्स पेएबल टू द क्रेडिटर या फिर असेट्स रिफंडेबल टू एनी कंट्रीब्यूटर व्हिच हैव रिमेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द 6 मंथ्स, लिक्विडेटर शैल फोर्सफुली डिपॉजिट द सीड मनी इनटू सेपरेट स्पेशल अकाउंट टू बी नोन एज द कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड अकाउंट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट मेंटेन इन अ शेड्यूल बैंक। वो एक सीड मनी जो है स्पेशल सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, जिसे हम कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड अकाउंट कहेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट कहेंगे, जो कि मेंटेन किया जाता है इन शेड्यूल बैंक, ठीक है ना। एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार बी बाय द एंटाइटल पर्सन टू एनी अमाउंट मनी पेड, ठीक है, एनी मनी क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू एनी मनी पेड इन द कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर पेमेंट देयर, कोई भी पर्सन जो क्लेम करता है कि वो स्पेसिफिकली हकदार है कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड के अंदर जो पैसा पड़ा है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट के अंदर, वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार को कि मेरा भुगतान कर दो भैया, दिलवा दो इस कंपनी से। तो रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड है द पर्सन क्लेमिंग इज एंटाइटल, रजिस्ट्रार को लगता है कि जो पर्सन ने एप्लीकेशन दिया है ये एंटाइटल है, तो मे मेक द पेमेंट टू द पर्सन ऑफ द सम ड्यू, वो बोल सकता है कि इसका भुगतान फटाफट करो। पीरियड ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम विद इन 60 डेज, सेटलमेंट जो होना चाहिए 60 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए जिसका भी ये पैसा हो, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटर असेट अकाउंट पे पड़ा हो, ठीक है ना। और अनक्लेम, कोई क्लेम नहीं किया गया, अनक्लेम मनी इन कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट, एनी मनी पेड टू कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्शन व्हिच रिमेंस अनक्लेम्ड देयर आफ्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स, 15 साल तक के लिए अनपेड रहा है, शैल बी ट्रांसफर टू जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जनरल रेवेन्यू अकाउंट में चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट क्लेम टू मनी सो ट्रांसफर मे बी प्रिफर्ड, उस पर क्लेम वो कर सकता है जब उसको याद आ जाए, अभी तक तो भूल गया अनक्लेम करा उस व्यक्ति ने अपना लिक्विडेशन डिविडेंड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट्स में से पैसा, तो 15 साल से फालतू पड़ा था तो ये जनरल रिजर्व में चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उस पैसे को वो क्लेम कर सकता है जब भी उसको याद आए, बट द क्लेम टू द मनी सो ट्रांसफर मे बी प्रिफर्ड, वो किया जा सकता है बताया, वो आगे अलग चीज़ में है। लिक्विडेटर टू मेक रिटर्न, सेक्शन 353 में बताया गया है लिक्विडेटर टू मेक रिटर्न्स, लिक्विडेटर क्या रिटर्न्स करेंगे, लिक्विडेटर टू मेक रिटर्न्स, ठीक है ना। कंपनी लिक्विडेटर मेकिंग डिफॉल्ट इन फाइलिंग डिलीवरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, कंपनी लिक्विडेटर हु इज मेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग डिलीवरिंग और मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट फेल्स टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन 40 डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ हिम ऑफ अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू डू सो, रिटर्न देना जरूरी है लिक्विडेटर मेक रिटर्न्स, कंपनी लिक्विडेटर मेक डिफॉल्ट इन फाइलिंग डिलीवरिंग या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा। द कंपनी लिक्विडेटर जिसने कि डिफॉल्ट किया गया है इन फाइलिंग डिलीवरिंग या मेकिंग डॉक्यूमेंट फेल्स टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन 40 डेज आफ्टर द सर्विस ऑन हिम ऑफ अ नोटिस रिक्वायर्ड हिम टू डू सो, ट्रिब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और बाय द रजिस्ट्रार मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी लिक्विडेटर टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन सच टाइम, रिटर्न करना जरूरी है, फाइल करना, डिलीवर करना, फेल टू अगर डिफॉल्ट कर दिया गया उसने डिलीवर नहीं किए हैं विद इन 40 डेज ऑफ सर्विसिंग हिम नोटिस, तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन पे मेड टू इट बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्रेडिटर को ये बार रजिस्ट्रार को मेक एनी ऑर्डर कंपनी लिक्विडेटर टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन सच टाइम, 14 दिन के अंदर का, ठीक है ना।
कॉस्ट भी बेयर बाय द कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी के लिक्विडेटर के द्वारा कॉस्ट बेयर करनी चाहिए रिटर्न फाइल करने की, ठीक है ना। चलिए 354 मीटिंग्स टू असर्टेन विशेस ऑफ क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज, असर्टेन करना विशेस, ट्रिब्यूनल मे हैव रिगार्ड टू द विशेस ऑफ कंट्रीब्यूटरीज और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट मीटिंग्स ऑफ सच द क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड, अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ एनी सच मीटिंग्स टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स दे आर ऑफ टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। मीटिंग को असर्टेन करना विशेस, क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर की इच्छा क्या है वो मालूम करने के लिए एक मीटिंग भी करना जरूरी है, ठीक है ना। 354 में बताया असर्टेन द विशेस, ट्रिब्यूनल मे हैव रिगार्ड टू विशेस ऑफ क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटर टू बी कॉल्ड हेल्ड और कंडक्टेड, टू बी कॉल्ड किया जाएगा, हेल्ड किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा, पर्सन टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ एनी सच मीटिंग, अपॉइंट किया जाएगा एनी सच पर्सन टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग, रिपोर्ट करना द रिपोर्ट एंड टू रिपोर्ट देयर ऑफ द ट्रिब्यूनल, व्हाइल असर्टिंग द विशेस ऑफ द क्रेडिटर रिगार्ड शैल बी हैड द वैल्यू ऑफ द ईच डेटर और क्रेडिटर, हर एक वैल्यू पे ध्यान दिया जाएगा कि डेप्ट ऑफ द क्रेडिटर पे ध्यान दिया जाएगा कि यार इनकी विशेष के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, उसकी विशेष फुलफिल करना है तो उसकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से उसकी विशेष फुलफिल किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि चलते फिरते व्यक्ति की विश फुलफिल किया है, जो एक वैल्यूएबल व्यक्ति उसकी गई है। हर रिकॉर्ड टू द विशेष ऑफ द क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यू, डायरेक्ट मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, कंडक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे पर्सन चेयरमैन जैसा ही पर्सन उसको उचित लगे, मतलब जैसा ही पर्सन उसको उचित लगेगा तो ऐसा पर्सन को ऐसा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपॉइंट किया जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी उसके रिजल्ट देयर ऑफ द ट्रिब्यूनल, उस मीटिंग की रिपोर्ट एक तैयार करके ट्रिब्यूनल को सबमिट की जाएगी और क्रिएटर की विशेष मालूम की जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूटर की विशेष मालूम की जाएगी, परंतु उनके नंबर ऑफ वोट्स विच मे हैव कास्ट बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरी, जैसे कि क्रिएटर के विशेष उनकी क्रेडिट डेप्ट के वैल्यू के हिसाब से मालूम की जाएगी कि हाँ ये इन वैल्यू ऑफ डेप्ट की क्रेडिट विशेष जो है हम फुलफिल करेंगे मेजोरिटी की वैल्यू के हिसाब से, और असर्टेन विशेष ऑफ द क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रीब्यूटर की विशेष नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है ना। और सेक्शन 355 में कहता है कोर्ट ट्रिब्यूनल और पर्सन बिफोर हुम एफिडेविट मे बी स्वॉन, कोर्ट ट्रिब्यूनल या पर्सन जिनके आगे एफिडेविट स्वॉन किया जाता है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की जो विशेष है ना ये पोस्टल बैलेट या पोल्स के द्वारा भी निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अब सेशन 355 में देख लेते हैं कोर्ट ट्रिब्यूनल के पर्सन बिफोर हुम एफिडेविट मे बी स्वॉन, कोर्ट ट्रिब्यूनल के पर्सन जिनके आगे एफिडेविट स्वॉन किया जा सकता है, एन एफिडेविट रिक्वायर्ड टू बी स्वॉन अंडर दिस चैप्टर मे बी स्वॉन बाय द कोर्ट बिफोर द कोर्ट ट्रिब्यूनल या जज या पर्सन लॉफुली अथोराइज टू टेक एंड रिसीव एफिडेविट्स, ठीक है ना, इन एनी कंट्री बिफोर द इंडियन डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर, बिफोर कोई भी इंडियन डिप्लोमेटिक या काउंसलर ऑफिसर के, ठीक है ना। सेक्शन 356 में ये एफिडेविट दिया जा सकता है, ठीक है ना, बिफोर इंडियन कोर्ट या जज ट्रिब्यूनल ये दिया जाएगा एफिडेविट, पर्सन लॉफुली ऑथोराइज टू रिसीव एफिडेविट, ये सभी जज कोर्ट इनके आगे एफिडेविट दिया जाएगा बिफोर एनी इंडियन डिप्लोमेटिक या काउंसलर के आगे, ठीक है ना, जैसा भी लगता है उनको। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी वॉइड, कंपनी का डिसॉल्यूशन किया गया वाइंडिंग अप के बाद, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ये डिसॉल्यूशन को वाइड भी कह सकता है। सेक्शन 356 में ये पावर्स ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसॉल्यूशन टू बी वाइड, वेयर कंपनी हैज बीन डिसॉल्व द ट्रिब्यूनल मे एट एनी टाइम विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, 2 साल के अंदर डिसॉल्यूशन की डेट से 2 साल के अंतर्गत, ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, कंपनी लिक्विडेटर की एप्लीकेशन पे, एंड देयर अपॉन सच प्रोसीडिंग मे बी टेकन एज इफ द कंपनी मे बी हैज नॉट बीन डिसॉल्व, कंपनी जो है डिसॉल्यूशन को वाइड मान सकती है अगर 2 साल के अंदर, डिसॉल्यूशन के 2 साल के अंदर उसको कुछ लगे ऐसा, या फिर एप्लीकेशन दी गई है कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा और उसके बाद उसको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं यार ये लगता है कि वाइड माना जाना चाहिए, तो उस चीज़ को अनडिसॉल्व माना जाएगा, उस कंपनी को डिसॉल्व नहीं माना जाएगा, नॉट हैज नॉट बीन डिसॉल्व, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, सेक्शन 357 कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का कमेंसमेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, सेक्शन 357 में। सेक्शन 358 एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन टाइम इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिक्विडेशन लिमिटेशन, ठीक है ना, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन टाइम्स, कुछ टाइम का एक्सक्लूड करना इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इमीजिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड किए जाएंगे पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कमेंसमेंट करने के पीरियड, ठीक है ना, एक्सक्लूजन, हाँ, पीरियड ऑफ फ्रॉम द कमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कमेंस होने के पीरियड से टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इमीजिएटली फॉलोइंग, उससे 1 साल तक इमीजिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड किया जाए, वाइंडिंग अप कमेंस हुआ है उस डेट से 1 साल तक वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड, फॉलोइंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड,
वाइंडिंग अप कमिस होने के ऑर्डर होने के टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 350 फ्रॉम द कमिसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू अ पीरियड ऑफ वन ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया उसके एक साल के अंतर्गत तक का कोई टाइम पीरियड नहीं माना जाएगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये पीरियड नहीं माना जाता है, भले से वाइंडिंग अप कमिस कर दिया गया हो बीच पीरियड में तब भी। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 359। सेक्शन 359 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी ऑफिशियल लिक्विडेटर जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर एज इट मे कंसीडर नेसेसरी टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकता है एज मेनी ऑफिशियल लिक्विडेटर जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर जैसा कि उसको जरूरी लगे टू डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। द लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया शैल बी होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सैलरी एंड अदर अलाउंस पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी और दूसरे अलाउंस जो है पेड किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 359 में। पार्ट 4 जो था ऑफिशियल लिक्विडेटर के संदर्भ में था वो अपन देख रहे हैं सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 373 था मेरे ख्याल से, एक सेकंड, सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 365 तक, सॉरी सेक्शन 365 तक ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में बताया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 359, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 359, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी ऑफिशियल लिक्विडेटर जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर एज इट मे कंसिडर नेसेसरी टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन अपॉइंट करेगा? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकता है ऑफिशियल लिक्विडेटर जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकता है जॉइंट डिप्यूटी असिस्टेंट JDA, ठीक है ना, जैसा भी उसको जरूरत लगे टू डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शंस ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर JDA, जॉइंट डिप्यूटी और असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकता है। लिक्विडेटर्स अपॉइंटेड शैल बी होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लिक्विडेटर जो अपॉइंट किए गए हैं वो होल टाइम ऑफिसर्स भी रहेंगे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी एंड अदर अलाउंसेस पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी और दूसरे अलाउंसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाएंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ लिक्विडेटर सेक्शन 316 बताया गया है पावर एंड फंक्शंस क्या है ऑफिशियल लिक्विडेटर के, सच पावर्स इज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ही पावर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और अदर पावर्स ऑफिशियल लिक्विडेटर मे एक्सरसाइज ऑल या एनी ऑफ द पावर्स इज मे बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट कंडक्ट इंक्वायरीज इन और इन्वेस्टिगेशन। फंक्शंस जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफिशियल लिक्विडेटर के 316 बताया सच पावर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर पावर्स ऑफिशियल लिक्विडेटर मे एक्सरसाइज ऑल या एनी ऑफ द पावर्स इज मे बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी पावर्स हैं एज मे बी एक्सक्राइब कंपनी लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट या कंडक्ट इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन, ये फंक्शंस के पावर्स हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के। सच पावर्स जिसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताए वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पावर कर सकता है, ठीक है ना, कंपनी लिक्विडेटर जैसा कि कंपनी एक्ट में बताया गया है, ठीक है ना। समरी प्रोसीजर्स फॉर लिक्विडेशन सेक्शन 351 में समरी प्रोसीजर्स बताई गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर फॉर समरी प्रोसीजर्स वेदर कंपनी डू बी वाउंड अप अंडर दिस चैप्टर, इस तरीके से अगर कंपनी वाउंड अप होने वाली इस चैप्टर के अंदर बताई गई उस तरीके से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है समरी प्रोसीजर हैज असेट्स ऑफ बुक वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, जिसकी असेट्स जो है बुक वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन लगाई जाएगी, ठीक है ना, जिसकी बुक वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है या बिलोंग टू सच क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर इट टू बी वाउंड अप बाय द समरी प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर दिस पार्ट, बिलोंग करता है उस क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मे बी ऑर्डर टू बी वाउंड अप बाय द समरी प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, समरी प्रोसीजर से वाउंड अप हो जाएगा, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नहीं है या क्लास या क्लास ऑफ कंपनी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करा है उन सभी कंपनी के अंदर समरी प्रोसीजर से वाउंड अप लिक्विडेशन होगा, ठीक है ना, समरी प्रोसीजर लगाई जाएगी फॉर लिक्विडेशन, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट करे, अपॉइंटमेंट कौन करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस पे समरी प्रोसीजर लगाई जा सकती है ऑफ लिक्विडेशन, जिसकी बुक वैल्यू 1 करोड़ इससे कम हो या फिर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर सेल्फ फॉर विथ टेक इन टू हिज कस्टडी, ठीक है ना, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है सेल्फ फॉर विथ टेक कर सकता है उनकी कस्टडी में। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, सबमिट कर सकता है रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैनर एंड फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रिपोर्ट दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, सबमिट करना है एक रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैनर एंड फॉर्म एज जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द प्रमोटेड डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है बाय प्रमोटेड डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर। सेल ऑफ असेट्स एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू द कंपनी सेक्शन 362, डिस्पोजल ऑफ असेट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल डिस्पोज ऑफ ऑल अदर असेट्स
within 60 days of the appointment, उसके appointment के 60 दिन के अंदर अगर, ठीक है ना, sale of assets and recovery of debts due to the company, sale करना assets और debt, recovery of debt, वो ही सभी debt जो कि due है company के प्रति, recovery of debts due to the company, section 362 में, assets बेचना और recover करना debts, वो सभी उधारी जो कि company के प्रति due है, disposal of assets, official liquidator shall dispose of all assets, official liquidator सभी assets बेच देगा within 60 days of his appointment. Serving of notice to deposit payable amount. Official liquidator within 30 days of his appointment. Serve करेगा notice of deposit payable amount. ठीक है ना? Deposit करना assets जो भी ये सारी dispose of कर देना within 60 days of his appointment. Serve करना notice of deposit payable amount. ठीक है ना? Official liquidator within 30 days of his appointment. Order passed by the central government. Central government के द्वारा जो order pass किया गया वो बताना. Deposition of recovered amount. Deposition करना of recovered amount. The amount recovered under this section. The amount जो recovered है under this section. Deposition करना of under of recovered amount. ठीक है. Sale of assets and recovery of debts जो कि company के प्रति due है. Sale करना of assets और recover करना of debts. Section 363. Settlement of claims of creditors by the official liquidator. Claims का settlement करना of creditors by the official liquidator. Official liquidator within 30 days of his appointment shall prove their claims in such manner as may be prescribed within 30 days of the receipt of such all. ठीक है ना? Official liquidator within 30 days of his appointment को prove करना चाहिए उनके claims in such manner जैसा कि prescribed किया गया within 30 days of the receipt of such all. ठीक है ना? अब section 364 appeal by creditor. Creditor के द्वारा appeal की जा सकती है. Appeal against the decision of the official liquidator before the central government. ऑफिशियल लिक्विडेटर के अगेंस्ट में जो डिसीजन है, ठीक है ना, अपील करना अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपील करना अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर. ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट क्रेडिटर अपील कर सकता है कि भैया यार ये ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जो डिसीजन दिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की सकता है, कर सकता है वो क्रेडिटर. सेक्शन 364 में एनी within 30 days of such decision देने के जो भी official liquidator decision दिया उसके 30 दिन के अंदर अंतर्गत creditor central government को appeal कर सकता है. Central government either dismiss, central government तो dismiss कर देगी या modify कर देगी decision. Central government either dismiss or modify the decision. Payment to the accepted claims, payment कर सकता है to the accepted claims referring to the matter to the tribunal. Central government matter tribunal को दे सकता है कि भैया तुम देखो इसको. Central government may at any stage consider necessary, वो central government भी consider कर सकता है at any stage उसको जरूरी लगे या फिर refer कर देगा tribunal को, छुट्टी तुम देखो. अब देखते हैं ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, ये आखिरी चीज़ है. ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी सेक्शन 365. सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट ऑफ वाउंड अप. वाउंड अप की जो फाइनल रिपोर्ट पूरा वाउंड अप, अब डिसोल्यूशन वाउंड अप हो जाने के बाद ऑर्डर दिया जाएगा डिसोल्यूशन का, ठीक है ना. सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट ऑफ वाउंड अप. ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनी इज फाइनली वाउंड अप सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन केस no reference was made to the tribunal, in any other case central government and tribunal. जब order dissolution का, हाँ, final report तैयार हो गई है wind up की, तो ये final report central government को दी जाएगी और दूसरे cases में tribunal को भी, central government और state government को, ठीक है ना. और no reference अगर central government को, अगर उसमें कोई reference tribunal का नहीं है तो, और दूसरे cases में central government और state tribunal दोनों को ये final report wind up की submit की जाएगी. और फिर इसके बाद क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट और इस केस में भी ट्रिब्यूनल ऑन रिसीट ऑफ सच रिपोर्ट शैल ऑर्डर द कंपनी टू बी डिसॉल्व. जब ये रिपोर्ट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल को, इस रिपोर्ट के रिसिप्ट होने पे वो एक ऑर्डर पास करेगी कंपनी तुम डिसॉल्व हो जाओ. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्डर, रजिस्ट्रार, इस ऑर्डर का कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे. रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार जो है स्ट्राइक ऑफ कर देगा नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, इस कंपनी के नेम रजिस्टर में से उस का नाम रजिस्ट्रार कंपनी इसमें से हटा दिया जाएगा. रजिस्टर शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी. ठीक है, ये हो गया कुल मिला के अपना वाइंडिंग अप का. अब दूसरा चैप्टर है इसका मेनली जो कि वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज होगा. देखिए वो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुल मिला के दो पार्ट है. ठीक है, कम कुल मिला के इसमें दो पार्ट है. सेक्शन 366 से लेके 378 में वो कवर किए जाएंगे. ठीक है ना, वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनीज का वाइंडिंग अप. तो पहले पार्ट में बताया गया है कंपनीज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट. कंपनी कौन कौन सी ऑथराइज हैं कि रजिस्टर्ड हो सके इस एक्ट के अंदर का. कंपनीज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, कंपनीज कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड सेक्शन 366 में बताया गया. कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एंटिटीज व्हिच अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन. कंपनी मतलब ये सभी कंपनीज इंक्लूड करेंगी जो कि अप्लाई कर रही हैं फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए. कौन कौन सी,
ये सभी कंपनी वाइंडिंग अप के दौरान रजिस्टर हो सकती है एज अ कंपनी. कौन कौन सी? पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी या एनी अदर बिजनेस एंटिटी. ये सभी कंपनी इंक्लूड करता है कंपनी अप्लाई विच आर फॉलोइंग एंटिटीज विच आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. ये सभी एंटिटीज, ये पांचों एंटिटीज अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कर सकती है. पार्टनरशिप फर्म, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी और एनी अदर बिजनेस एंटिटी. यानी क्या हुआ? PLCSO, ठीक है ना. एनी चैप्टर, एनी ओनली इस चैप्टर में, ये पार्ट वन में यही कंपनी रजिस्टर हो सकती है. रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कंपनी का? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इस कंपनी फॉर्म वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट. कंपनी फॉर्म होगी वेदर बिफोर या तो पहले या आफ्टर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. मे एट एनी टाइम रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, रजिस्टर हो सकती है इस एक्ट के अंदर. एज अ अनलिमिटेड कंपनी, एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी में गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, ये लिमिटेड बाय गारंटी, जो भी इस एक्ट के अंदर कमेंस, हाँ, रजिस्टर हो सकती है. कंपनी फॉर्म वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ 2013 के बिफोर या पहले या बाद में कोई सी भी जो कंपनी बनी हो वो इसके अंतर्गत रजिस्टर हो सकती है. वाइंडिंग अप के ड्राइंग में रजिस्टर एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, ये गारंटी कंपनी, ठीक है ना, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, ठीक है. Provided the company registered under the previous law shall not register in pursuance of this section. ठीक है ना. Provided company registered under the previous law shall not, जो previous law में register है वो register नहीं होगी in pursuance of this section. Limited liability of a member, liability of member जो है limited liability रहेगी. Shall not register in pursuance of this section is unlimited company or a company limited by guarantee. जिनकी limited liability of the member shall not register in pursuance of this section is unlimited company or company limited by guarantee. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली. कंपनी जो है रजिस्टर किया सकती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली. कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड विद द असेंट ऑफ द मेजॉरिटी. कंपनी कैन बी रजिस्टर किया सकती है विद द असेंट ऑफ द मेजॉरिटी. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली. कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद द असेंट ऑफ द मेजॉरिटी. कंपनी टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी requires majority of the assent, majority of the assent company to register karna as a limited company requires karta hai to the majority of the assent. Company is about to register as the company limited by guarantee. Assent to the companies by the resolution. Assent karta hai to the companies by the resolution. Company is about to the company limited by guarantee. Assent karna hai to the resolution declaring that the each member undertakes to contribute to the asset of the company or within 1 year after his deceased member for the payment of debt and liabilities of company of all such debts as he may be contracted. जैसा भी contracted debt या liability रहेगी वो member, हर एक व्यक्ति, हर एक member contribute करेगा उस company को, ठीक है ना. इस प्रकार से उसका contract किया जाएगा limited by guarantee केस में. कंप्यूटेशन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी वैल्यू के हिसाब से मेजोरिटी कंप्यूट की जाएगी. कंप्यूटेशन ऑफ मेजोरिटी विद रिगार्ड टू वैल्यू रहेगी, वैल्यू के हिसाब से उसकी मेजोरिटी कंप्यूट की जाएगी, ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्शन 367 में उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का. वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन रजिस्ट्रेशन पे प्रॉपर्टी किसके पास वेस्ट रहेगी, किसके पास पड़ी रहेगी, ये बताया जाएगा 368 में. ऑन सच रजिस्ट्रेशन पास टू वेस्ट ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट फॉर ऑल द स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी देयर ऑन, सभी कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के पास हो जाएगी ऑन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वेस्ट करेगी ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है. सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, existing liabilities of saving of existing liabilities section 369 में registration of companies के बाद जो जो liabilities है वो उसकी existing liabilities बचा सकती हैं, limited liability बना बनके, ठीक है ना. constitution continuation of pending legal proceedings section 370, सभी suits legal proceedings जो कि company के against या public officer के against के members के against जो पहले थे वो इस pursuance इस part में register होने के बाद भी applicable रहेंगे. effect of registration under this part section 371 application all provisions of this act shall apply to the company and the members. Sabhi provisions jo hai, all the provisions of this act shall apply to the member company and the members, contributors and creditors thereof in the same manner in all respect as if it form under this act. ठीक है, जैसे इसी मैनर में, जैसे कि ये सभी चीज़ें इसी एक्ट में फॉर्म की गई थी. सभी प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनी मेंबर्स कंट्रीब्यूटरीज एंड क्रेडिटर्स देयरऑफ इन सेम मैनर एंड इन ऑल रिस्पेक्ट एज इट हैज बीन फॉर्म अंडर दिस एक्ट, इसी एक्ट में फॉर्म किए गए हों. ठीक है, वही जो मैंने टेबल एफ वगैरह में बताया गया है ये सभी चीज़ें के संदर्भ में. पावर्स ऑफ कोर्ट टू स्टे और रिस्ट्रेन प्रोसीडिंग्स सेक्शन 372 में बताया गया है कि कोर्ट के पास पावर है स्टे रखने का, रिस्ट्रेन करने का प्रोसीडिंग्स जो भी कंपनी के अगेंस्ट में चल रही है वो सभी के आगे स्टे लगा सकती है. पावर ऑफ द कोर्ट टू स्टे और रिस्ट्रेन करना प्रोसीडिंग्स का.
ठीक है ना, विथ सूट्स स्टेड ऑन द वाइंडिंग अप ऑर्डर, ठीक है ना, सेक्शन सूट स्टेड ऑन द वाइंडिंग अप ऑर्डर सेक्शन 373, अगर सूट्स लगा दिया गया किस स्टे लगाने के लिए, नो सूट्स और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी प्रोसीडेड विथ और कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल और एक्सेप्ट ऑन सर्च टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल मे इम्पोज, कोई सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग प्रोसीड नहीं की जाएगी या कमेंस नहीं की जाएगी अगेंस्ट द कंपनी सिवाय लीव के और द ट्रिब्यूनल या फिर एक्सेप्ट ऑन द सर्च टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल इम्पोज करेगा, ठीक है ना। सेक्शन 374 ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टरिंग अंडर दिस पार्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज के ऑब्लिगेशन के अंडर दिस पार्ट, ठीक है, कंसेंट गिवन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनीज रजिस्ट्रेशन कंसेंट गिवन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा कंसेंट किए गए फॉर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज सीकिंग ऑब्जेक्शन एंड एड्रेस देम सूटेबली, पब्लिकेशन नोटिस, नोटिस का पब्लिकेशन दिया जाएगा वन इन इंग्लिश लैंग्वेज में और वन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, सीकिंग ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन सीक करते हुए एड्रेस करेंगे दम सूटेबली, या फिर एफिडेविट ऑफ द सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और पार्टनर्स टू प्रोवाइड देम इन द इवेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस पार्ट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रिंग और द अदर अथॉरिटी विद विच द कंपनी वॉज अर्लियर रजिस्टर्ड और द डिसोल्यूशन एज द पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बिजनेस एंटिटी एज द केस मे बी। इस पार्ट में जो भी कंपनीज रजिस्टर हुई है कंसेंट दिए यानी चाहिए सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन की है, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है हम मानते हैं सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा ही कंसेंट मिलनी चाहिए, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये नोटिस का रजिस्ट्रेशन पब्लिश किया जाना चाहिए, एक तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने और एक अलग वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी क्या, जो बोलचाल की भाषा में या उनके रीजनल लैंग्वेज जो हम कहते हैं उस भाषा में पब्लिश किया जाना चाहिए कि भैया ये कंपनी रजिस्टर हो चुकी है सीकिंग फॉर ऑब्जेक्शन द एड्रेस दम सूटेबली। एफिडेविट जो है ऑफ सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो जो भी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एंड पार्टनर्स टू प्रोवाइड इन द इवेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सभी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जो कि रिक्वायर रहेंगे रजिस्टर करने के लिए कंपनी को वो सभी सबमिट करना चाहिए, भले वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने के डॉक्यूमेंट हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी या कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी जो भी उन्होंने बना रखी थी उसका डिसोल्यूशन करने का डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है और इसका एफिडेविट देना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं पार्ट टू में वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनीज, वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनी सेक्शन 375 बताया गया, वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनीज का वाइंडिंग अप कैसे होगा, वाइंडिंग अप सर्कमस्टेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड अभी तो रजिस्टर करा लिया अपन ने और फिर वाइंडिंग अप पहले के तरीके कर लेंगे, ठीक है, जैसा अपन ने पहले के सेक्शंस में करा उसी तरीके से वाइंडिंग अप कर लेंगे रजिस्टर करके और सिक्योर क्रेडिटर से परमिशन वगैरह ले लूँगा, वो जो अपन ने ये पार्ट वन में समझ लिया। पार्ट टू में यही हो रहा है कि वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनीज, जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं उन्हीं का वाइंडिंग अप कर दो, कंपनीज ही नहीं मतलब, ठीक है ना, सर्कमस्टेंसेस वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी के सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कंपनी इज डिसॉल्व, कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, कंपनी इज डिसॉल्व, ठीक है ना, सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है, कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, अनेबल टू पे डेब्ट्स इफ द ट्रिब्यूनल इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, कंपनी वाउंड अप कर दिया जाएगी, अनरजिस्टर्ड कंपनी का वाउंड अप कर दिया जाएगा उसी कंपनी का, ठीक है ना। व्हेन द अनरजिस्टर्ड कंपनी इज अनेबल टू पे डेब्ट्स इफ क्रेडिटर कंपनी इज इंडेबटेड इन सम एक्सीडिंग 1 lakh rupees then due the company for 3 weeks after the service of demand neglected to pay the sum or the secure or compound for it to satisfy of the credit to the satisfaction of the creditors. जब अनरजिस्टर्ड कंपनी जो है अनेबल है पे डेब्ट चुकता नहीं कर पा रही है और 1 lakh rupees या उससे ज़्यादा का डेब्ट होगा तो कंपनी तीन हफ्ते के अंतर्गत जो भी अमाउंट है वो क्रेडिटर के बिहाफ में सिक्योर कर लेगी, अगर वो अमाउंट जो है 1 lakh rupees से ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है ना, ठीक है ना। कंपनी हैज विद इन 3 weeks आफ्टर द सर्विस ऑफ द डिमांड निगलेक्टेड टू पे सम ड्यू और टू सिक्योर द फॉर द कंपाउंड फॉर इट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्रेडिटर, उसको कंपाउंड कर सकती है 1 lakh से ज़्यादा का कंपाउंडिंग कर सकती है कि भैया यार 1 lakh से अमाउंट का है तो मैं एडजस्टमेंट करो कंपाउंड कर लो, इसको 3 हफ्ते के अंतर्गत करना है किसको, कंपनी को, ठीक है ना, क्रेडिटर के साथ कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ एनी सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द मेंबर्स फॉर एनी डेब्ट तो ये करा जा सकता है, हाँ डेब्ट अगर नहीं हो रही है तब भी वाउंड अप किया जाएगा, ठीक है। और आखिर पावर टू वाइंड अप ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑल्सो डिसॉल्व्ड सेक्शन 376 में पावर टू वाइंड अप कंपनीज का वाउंड अप फॉरेन कंपनी का, भले वो डिसॉल्व हो चुकी है, फॉरेन कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है तो उसका वाउंड अप किया जाएगा इसी अनरजिस्टर्ड के अंतर्गत, कि वाउंडिंग अप ऐसे ना अनरजिस्टर्ड कंपनी तौर पर उसका वाउंड अप किया जाएगा उस फॉरेन कंपनी का, भले से वो कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है बिजनेस कैरी नहीं कर रही इसलिए उसका वाउंड अप किया जाएगा एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है ना। 377 में
प्रोविजंस अंडर ऑफ दिस चैप्टर क्यूमुलेटिव, ये सभी जो भी प्रोविजंस हैं इस चैप्टर के क्यूमुलेटिवली इफेक्ट करेंगे. प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अनलिस्टेड कंपनी शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरिवेशन टू, मतलब इसके साथ साथ में इन एडिशन टू ही अप्लाई होंगे. मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनी के वाउंड अप के लिए ये प्रोविजंस क्यूमुलेटिवली अप्लाई होंगे, सेक्शन 377 में ये बताया. तो कुल मिला के अपन ने पूरा का पूरा वाइंड का चैप्टर कर लिया है. तो थैंक्स फॉर लाइकिंग, लाइक करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल. ओके जी.